जी तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस बातचीत में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम बातचीत के लिए सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर अरुंधि पाहलुवालिया जी हमारे साथ हैं। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी विधा है, ऐसी बातचीत करने का तरीका, बातचीत कैसे किसी तक पहुँचाई जाए उसका तरीका। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले उन्हीं को इन्वाइट करता हूँ, और फिर जो हम किस तरह संचालन करेंगे, तो 2-1 मिनट बाद अपनी बात कहने के बाद वो मुझे माइक जब देंगे तो मैं दोबारा बात करूंगा। तो अभी मैं उनको इनवाइट करता हूं। सर, माइक और मंच आपके पास। नमस्कार। मैंने अभी अरुण को कहा था कि मैं जिस बात पे बात कर रहा हूँ, मैं इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर हर कोई जो बात करता है वो उसके एक दिल में ख्वाब होता है कि मैं बढ़िया से बोलूँ और बढ़िया से लिखूँ, ऐसा बोलूँ कि लोग बड़े पिन ड्रॉप साइलेंस में मुझे सुने, और मैं लिखूंगी ऐसा कि जो पढ़े तो एकदम कहे कि बड़ा कलम तोड़ लिखा है। तो ये ख्वाब सबका होता है, कुछ भी डिसिप्लिन हो उसका। कोई चाहता है कि वो कलम तोड़ लिखे और गजब का बोले। मैं थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक बोलता हूँ, पर फिर भी मुझे बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स, फैमिली में बच्चे और आस पड़ोस के बच्चे भी कभी कभी मेरे पास आ जाया करते थे कि अंकल जी, हमारी जरा डिबेट तैयार करवा दो और हमें कुछ थोड़ा तरीका बता दो कि हम अंग्रेजी बढ़िया से बोलें। मैं उनको हमेशा बोलता कि बेटे, अंग्रेजी ही कोई बात नहीं है बात करने की, आप ये कहिए कि हम बढ़िया से बोलें। और हिंदुस्तान में हो और हिंदी बेल्ट में रहते हो तो पहली बात तो ये कि आप हिंदी बोलिए, पंजाबी बोलिए बढ़िया, और साथ साथ ये भी ठान लीजिए कि अंग्रेजी भी बढ़िया बोलोगे, और अंग्रेजी जब ठीक से सीख लो तो अंग्रेजों की टक्कर की जब बोलने लग जाओ या उनसे बढ़िया बोलने लग जाओ, जैसे हमारे डॉक्टर शशि थरूर बोलते हैं, तो फिर थोड़ा सा कोई जर्मन या स्पेनिश या चाइनीज या जापानीज कोई एक भाषा और सीख लेना। कोई जिसको ज्यादा भाषा आती है वो बहुत बड़ी एडवांटेज ले जाता है दुनिया में, और जो बढ़िया बोलता है और बढ़िया कम्युनिकेट करता है, साफ साफ बोलता है, शब्दों का उच्चारण बढ़िया करता है, आवाज में थोड़ी सी कड़क होती है, या वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो हर कोई चाहता है कि उसका बयां जो है वो बिल्कुल गालिब, मियां गालिब की तरह हो। तो मैंने, मुझे पता नहीं मैंने कब बचपन में थोड़ा बहुत बोलने की कला सीखी होगी, या सीखी भी के ऐसी आ गई। मुझे ये पता है कि ये तस्वीर जो मेरी माँ की है, पुष्पा अहलूवालिया इनका नाम था, लाहौर से आई थी, और ये प्रभाकर इनकी क्लियर नहीं हो पाई थी, पर जो हिंदी माध्यम की डिग्रियां हैं वो वही उसी माध्यम में पढ़ने का इनका था। मुझे अब वो भूषण और क्या क्या डिग्रियां थी मुझे वो याद नहीं, पर ये अक्सर मुझे बताया करती थी कि मेरी प्रभाकर रह गई, पर मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैट्रिक ओनली इंग्लिश भी लिया। वो हमें नहीं मालूम था, हमें उनके मरने के बाद अपने भाई की फैमिली में उनका वो सर्टिफिकेट मिला, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से उन्होंने ये सब एजुकेशन दी। पर मेरे लिए एक सौभाग्य था कि उनको पढ़ने का बहुत शौक था, और जो भी मैगजीन उस वक्त होते थे, सरिता है, धर्मयुग है, नवभारत टाइम्स हमारे घर में आता था, उस जमाने में एक आने का शायद होता था, आने का मतलब 6 पैसे, और उसमें कोई मैगजीन सेक्शन होता था, तो धर्मयुग सरिता कभी बेचती नहीं थी रद्दी में, और ऐसे मैगजीन सेक्शन भी उनके पास हमेशा रहते थे, और कई बार पढ़ती थी उसको वो, और जब बच्चे आसपास में होते थे तो बोल के पढ़ती थी। और हमने कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी हमें बोला हो कि आओ बैठो सुनो मैं कैसे बोलती हूँ, तुम भी पढ़ के सुनो, ऐसा कुछ नहीं बोला कभी उन्होंने। मतलब जिसको बोलते ना सहज तरीके से, मेरे को ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने ये प्लानिंग से किया या ऐसे ही जैसे हो गया। और जब कभी हम पढ़ते थे तो वो मुस्कुराती थी देख के कि बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं। और बाद में हमने 6ठी क्लास तक फॉर्मली इंग्लिश नहीं पढ़नी शुरू की थी, पटियाला में मैं पढ़ता था आर्य समाज स्कूल में, तो हिंदी ही माध्यम था,
सब्जेक्ट का, और हिंदी की ऑल इंडिया रेडियो पे वो एक बहुत फेमस न्यूज रीडर होते थे, देवकी नंदन पांडे, जो उनका वो डायलॉग होता था कि 8 बजे हैं, अब आप देवकी नंदन पांडे से ऑल इंडिया रेडियो पे समाचार सुनिए। तो जैसे हर शब्द का उच्चारण उनका साफ सुथरा अलग अलग होता था, और एक स्पीड होती थी बड़ी सुंदर, जो ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम। वो इतने टिपिकल कॉपीराइटेड फिंगरप्रिंटेड स्पीच उनका एक इफेक्ट था कि हम देवकी नंदन पांडे को, वो बाद में फिल्मों में आ गए लेट 80s में, स्विट्जरलैंड से मैं 84 में आया हूँ, तो हम एक टीवी लाए थे, तो हमने टीवी पे, उससे पहले हमारे घर में टीवी नहीं था, वो ओलंपिक्स पे कोई कंसेशन लगा था ज्यूरिख में, तो मैं एक्स विजिटिंग स्कॉलर रहा था ETH ज्यूरिख में, और तो वहाँ पे कंसेशन पे मिल रहा था, मेरी हैसियत नहीं थी एक टीवी खरीदने की, और बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाते थे कि देखो पापा ने घर में टीवी भी नहीं लिया है। मन में मैं सोचता था कि जितना लेट खरीदूं उतना अच्छा रहेगा, तो हिसाब किताब थोड़ा बातचीत पे और पढ़ने पे ही रहे तो ज्यादा अच्छा, पर वक्त आ गया था। तो मैंने जैसे ही किसी फिल्म में देवकी नंदन पांडे की आवाज सुनी, तो मैंने पहचान लिया कि ये देवकी नंदन पांडे बोल रहे हैं, और उन्होंने बड़े अंदाज से डांटते हुए एज ए एक्टर किसी को बोला भूतनी के, तो वो भूतनी के बोलने का उनका जो अंदाज था वही था जो ऑल इंडिया रेडियो पे होता था। आप समझ सकते हैं, एक बच्चे ने जो बचपन में एक न्यूज रीडर की का उच्चारण सुना और उसकी उसको अपनाने की चेष्टा करी, वो उसको 35 साल की उम्र में, 35-36 साल की उम्र में उसको पहचान लिया बिना कभी उसकी तस्वीर देखे, क्योंकि रेडियो पे देखते थे ना। मैं लास्ट में बड़ा क्यूरियस था कि देखो इसमें थे कौन, आखिर में जब आया देवकी नंदन पांडे, तो मैंने कहा क्या कमाल है, क्या प्रेम है हमारा देवकी नंदन पांडे से, कि हमने कभी उसको कभी भूले नहीं, कभी उसकी फोटो नहीं देखी, आज उसकी आवाज से और उसके हिंदी बोलने के स्टाइल से हमने उसको पहचान लिया। तो मैं जो आखिर में कंक्लूड करूंगा, मैं शुरू में बता देता हूं, कोई ये ना कहे कि इतनी लंबी कहानी के बनाने के बाद में, बड़ी सिंपल सी बात कही, और ये तो हम वैसे भी कर लेते, ये कर तो हम वैसे भी लेते, पर सच्चाई ये कि हम करते नहीं, और हम सब कुछ कर लेते हैं पर बोलने का अभ्यास करते नहीं, ना तो हमने अक्सर किया होता है ना हमने बच्चों को कराया होता है, और हम भी पिटे होते हैं जिंदगी में और हमारे बच्चे भी पिट रहे होते हैं इस बात से कि बोलने की कला वो नहीं जो होनी चाहिए थी, टॉप की जो होनी चाहिए थी, जो BBC पे बोलने वाले की है, जो या ऑल इंडिया रेडियो पे बोलने वाले की है, या जो पुण्य प्रसून वाजपेयी की है, या जो शुरू में एक SK सिंह होते थे जो बहुत बड़े एंकर थे बहुत सारे TV चैनल पे हिंदी के, या उनकी है, तो कई सारे बहुत उम्दा एंकर्स थे, बड़े स्कॉलर थे, तो वो वाली भाषा अगर हम कोशिश करें थोड़ा सा सीखने की, उसका तरीका एक ही है कि अब छोटा बच्चा है वो ना अखबार तो बेचारा क्या पढ़ेगा, उसके पास कुछ कुछ ही अक्षर होंगे बोलने के जो उसने सीखे होंगे, पर वो क्लियरली बोलेगा कि नहीं बोलेगा। एक ही तरीका है कि पेरेंट्स खास तौर पे माँ बच्चे की बोले और फिर उसको भी प्रोत्साहित करे कि बोले और बार बार बोले, ये बार बार वाला ही सिलसिला है, और बहुत ज्यादा भी नहीं कि मोनोटनस हो जाए या बच्चा भी थक जाए और आप भी थक जाएं और एक दिन का महोत्सव मना के बाद में वो खत्म हो जाए, ये रूटीन हो जाए, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, बच्चा कम से कम शुरुआत में 4 से जब तक वो 11-12 साल का ना हो जाए तब तक ये रूटीन फैमिली में रहनी चाहिए, लिखने की बोलने की और इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, और इसके अलावा एक बढ़िया सी ऑक्सफोर्ड, आजकल बड़ी बढ़िया डिक्शनरियां आ गई हैं,
अमेजोन पे 200-250-300 रुपए की मिल जाती है। थोड़ा सा बड़े प्रिंट वाली लीजिए ताकि बच्चा ठीक से पढ़ सके उसको, और घर में बुजुर्ग भी उसको ठीक से देख सकें। और उसमें हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी बोलने का तरीका भी उसमें बताया होता है। बहुत सारे अक्षर हम गलत बोलते हैं और जिंदगी भर गलत ही बोलते जाते हैं, हमें कोई टोकता नहीं ये सोच के कि बुरा मान जाएगा, और हम भी किसी को टोकते नहीं, कभी कभी हमें पता होता है कि वो गलत बोल रहा है कि बुरा ना मान जाए, हम एक्चुअली उसके साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोई टोक देते तो उसके साथ इससे बड़ी दोस्ती कोई ना होती कि हमने उसको कह दिया। जैसे हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को टोक दें, प्यार से टोक दें और उसको सुधार दें, करेक्ट कर दें, तो ये वाली ये मैं कहता हूं कि ये टू बिकम अ टीचर, द पेरेंट बिकमिंग अ टीचर, यही होता है एक्चुअली। पेरेंट ही सबसे बड़ा टीचर होता है, और पहला टीचर बच्चे का वही होता है। जो यहां हो गया अभ्यास घर में, घर से बड़ा स्कूल कोई नहीं, घर से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं, जो शुरुआत यहां है वही अंत है। तो बार बार बोलना है और सुनना है, उसका भी एक तरीका है। आजकल तो रिकॉर्ड जल्दी हो जाता है, पर मैंने एक वो पैनासोनिक का बड़ा वो 2-in-1 ला रखा था, उसमें मैं अपने बच्चों को जो सिखाता था, हमारे पेरेंट्स को तो वो फैसिलिटी नहीं थी तब, तो 2-in-1 कुछ नहीं था, एक रेडियो था ले दे के, वो भी कभी खराब हो जाता था, बड़े लाले पड़ जाते थे, 23 सेक्टर में रहते थे, उठा के उसको 22 सेक्टर ले जाते थे, ठीक करके लाते थे और फिर चलाते थे। हर किसी को उस रेडियो की जरूरत थी, हम लोगों को भी जरूरत थी, हमारे पिताजी को क्रिकेट की कमेंट्री सुननी होती थी और समाचार सुनने होते थे, और कुछ वो कुछ फिल्मों की पूरी कहानी ही ऑडियो ही आती थी, वो भी बहुत रोमांचक होती थी। तो रेडियो एक बहुत बड़ा सोर्स होता था कम्युनिकेशन का। बाकी अखबार है, अब अखबार छोटा बच्चा तो नहीं पढ़ेगा ना, और अखबार में इतनी गंदगी होती है कि छोटे बच्चे को न्यूज से इंट्रोड्यूस ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। चुन के आप अगर कोई मैगजीन सेक्शन उसका निकाल लें और स्पोर्ट्स का सेक्शन निकाल लें जिसमें सफाई हो, इनफैक्ट फिल्मों वाला सेक्शन अभी ना निकालें छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें भी काफी गंदगी होती है। तो एकेडमिक टाइप का कुछ भी हो, या एडिटोरियल पेज अलग से निकाल लें, हिंदी वाला अंग्रेजी वाला, और उसमें कुछ चुन लें, और बच्चे को जब थोड़ा बड़ा हो जाए उसके साथ ये अभ्यास हो कि आज हम 5 शब्द ऐसे हिंदी के और अंग्रेजी के चुनेंगे जो हमें ठीक से आते नहीं, उसके मायने हमें पता नहीं, उसका उच्चारण हमें शक है कि हमें ठीक से पता नहीं, या हम ठीक करते हैं तो एक बार वेरीफाई कर लें। आजकल बढ़िया हो गया है कि वो ऑडियो डिक्शनरी है, आप उसको उसमें देखिए तो वो बोल के बता देगा कि ये धीरे से कि ये ऐसे बोलने का है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, पॉल्यूशन की बात अक्सर होती है, और मैं अपने आप को बड़ा प्रोफेसर समझता हूं, मैं उसको बड़ा जोर से पॉल्यूशन बोलता, और मेरा ग्रैंडसन, उसको मेरी बहुरानी ने अच्छे से सिखाया था कि इसको पॉल्यूशन बोलना है। चक्कर क्या हुआ कि वो ठीक निकला, मैं गलत निकला, और वो आईफोन पे वो डिक्शनरी से वेरीफाई हुआ, तो वो धीरे से बोला पॉल्यूशन पॉल्यूशन, उसमें कुछ ह की आवाज आती है, और आप भी इसको ट्राई करिएगा। और मेरे ग्रैंडसन को ये बड़ा अच्छा लगा कि दादू मान गए हैं कि वो अभी तक पॉल्यूशन को, वो जो पॉल्यूशन बोल रहे थे, पॉल्यूशन की जगह गलत बोल रहे थे। और अगले दिन फिर वो किताब लाया अपनी, उसके पास कुछ प्लेनेट अर्थ की बड़ी हाई क्वालिटी बुक्स हैं, 600-700 के करीब बुक्स हैं, छोटे से बच्चे के पास, जो बच्चों की स्पेशलिस्ट बुक्स हैं, हाई क्वालिटी बुक्स हैं, और ज्यादातर इंग्लिश की हैं, क्योंकि उसको कुछ स्पीच का इशू था, तो हमने उसको एक लैंग्वेज पहले सिखाई थी, आजकल हिंदी सिखा रहे हैं। तो अगले दिन उसने वो मेरे को पढ़ के सुनाई अपनी वो किताब, बोल्ड प्रिंट वाली, बड़ी पिक्चर्स वाली, तो मुझे याद आया कि मैं भी इस उम्र में कभी था, और मैं भी अपनी माँ के साथ बैठ के ये बोला करता था, और वो उनको सुनाया करता था, और
और बड़ा हल्का सा, बिना किसी दबाव के चलता था। मजे की बात यह है, अक्सर टीचर्स का दबाव हो जाता है, अक्सर पेरेंट्स का दबाव हो जाता है, पेरेंट्स अक्सर गुस्से में आके बच्चे को डांट देते हैं, चल पढ़ बैठ के, एज इफ पढ़ाई कोई सजा है। अगर वो उनको तंग कर रहा हो तो वो उसको ऐसे बिठा देते हैं पढ़ने को जैसे पनिशमेंट दे दी हो। बहुत विनम्रता से मैं, अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं और अगर कोई ऐसा पेरेंट यहाँ बैठा है और साथ में कोई बच्चा भी बैठा है या बाद में इसका वीडियो देखेगा, इससे बड़ी दुश्मनी नहीं बच्चे के साथ कोई, अपने ही जिगर के टुकड़े के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं करिए कि पढ़ाई को सजा के तौर पे उसके सामने परोसिए, नहीं। तो कमिंग बैक टू दैट पॉल्यूशन, अगले दिन उसने जब किताब पढ़ी तो मेरे से पूछा, दादू यू स्टिल वॉन्ट टू कॉल इट पॉल्यूशन? एंड मैंने कहा नो, आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ, आई कॉल इट पॉल्यूशन। तो ये देखिए, एक छोटी सी उदाहरण मैंने आपको दी, 72 साल का ग्रैंडफादर और 6 साल का पोता, उसने दादू का एक बार तो बता दिया कि भाई नॉलेज की कोई, वो ज्ञान विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और कोई उम्र नहीं होती। छोटे वाला कई बार बड़ा एक क्लीन स्लेट से चला है, सिस्टमैटिकली चला है, पूरी फोनेटिक्स से चला है, डिक्शनरी कंसल्ट करने की आदत पड़ गई है उसको बचपन में। तो अगर डिक्शनरी हैबिट शुरू से हो जाए, बोल के पढ़ने की आदत हो जाए, शुरू से रूटीन में हो जाए, तो बोलने का जो स्टाइल है वो धीरे धीरे करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिपक्व हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा और एक आदत हो जाएगी, एक परिवार में एक चलन हो जाएगा बढ़िया से स्टाइल से बोलने का और करेक्ट बोलने का। और फिर धीरे धीरे करके यही सब चीज और भाषाओं में जो बच्चा सीखेगा, चाहे शुरू में हिंदी सीख रहा है, चाहे हिंदी और इंग्लिश दोनों सीख रहा है, और चाहे ऐसे ही खेल खेल में कुछ भी हो रहा है, और चाहे कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, खाली बातचीत से ही सीख रहा है, जो भी तरीका हो उसका जरा ध्यान रखिएगा कि जो वो 4 साल से आपने 6-7 साल की उम्र में सिखा दिया, वो आगे चल के बढ़ेगा और परफेक्ट होगा, और फिर वही होगा, तो आपके बच्चे को देख के लोग बोलेंगे कि, कहते हैं कि मिर्जा गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो कुछ पता नहीं, आपके घर में कोई कवि पैदा हो जाए, कोई बड़ा भारी विद्वान पैदा हो जाए, कोई पार्लियामेंटेरियन पैदा हो जाए जो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोले, नेहरू जी की तरह बोले, या शशि थरूर की तरह बोले, कौन सा लोहिया की तरह बोले, कुछ पता थोड़े होता है। इनफेक्ट आज तक उन नेताओं के भाषणों को हम अभी भी याद करते हैं कि क्या बोलते थे भाई, और हिला देते थे लोगों को, दिल में पहुंचा देते थे बात को, दिल से बोलते थे। तो भाषा में खाली शब्द नहीं होते, उसमें इमोशन भी होता है। तो इसी के साथ में मैं आज की ये टॉक में श्रद्धांजलि देना चाहूंगा लता मंगेशकर जी को। वो इनकी ही जनरेशन की थी, थोड़ी सी 7-8 साल छोटी, शी वुड हैव बीन 98 टुडे, हर बर्थडे वाज 24th December। तो ये वो जिंदगी पूरी की पूरी, वो इरा वो उनका था। और आप देखिए, गीत के सुर होते हैं पर भावना भी अगर सिंगर उसमें डालता नहीं तो वो मरा हुआ गीत होता है। ऐसे ही जो बात होती है, कभी आवाज ऊंची होगी, कभी नीची होगी, कभी बीच में साइलेंस होगी। इनफैक्ट मैंने ये स्टाइल, कोई ऐसा नहीं है कि इसको कल्टिवेट किया हो, पर मुझे कभी कभी कुछ मित्रगण जो सोशल सब्सटेंस से जुड़े हैं, खासतौर पे जेडका जी ने बोला कि तुम जो बीच में साइलेंस कर देते हो वो बड़ी इम्पैक्टफुल होती है। मैं क्या, मैं करता नहीं हूं वो, और मैंने कोई स्टाइल कल्टिवेट नहीं किया है, क्योंकि आज की तारीख में मैं वो कर रहा हूं जो एक रेडियो एंकर करता था। मैं तो अपने ऑडियंस को देख नहीं रहा हूं, तो मेरी सिर्फ आवाज आ रही है, और उस आवाज में अगर भावना नहीं होगी, एक सच्चाई और ईमानदारी नहीं होगी, तो उसका कोई असर नहीं होगा। आमने सामने हो तो फिर भी थोड़ा सा आप हाथ पांव हिला के, थोड़ा घूम घाम के स्टेज पे, एक और बॉडी लैंग्वेज बोलने की, आप एक जगह पे, बच्चा तो एक जगह पे ही बिल्कुल अटेंशन बैठ के, इन अ डिसेंट पोज, नॉट लाइक अ मिलिट्री मैन बट नॉट लाइक ए
अ कैजुअल वन, जो बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हुए हाथ ऐसे कर रहा है, कभी कान खुजला रहा है, कभी पेन को पकड़ रहा है, कभी ऐसे ऐसे करके हिल रहा है. दैट करेक्शन इफ यू मेक इन द बिगिनिंग, ये बच्चे ये सीरियसली एक डिसेंट तरीके से, पोलाइट तरीके से आपने बात करनी है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, मुस्कुरा के बात करनी है, घूर के बात नहीं करनी है. और वो बात आपकी सुनी जाएगी, आपको पसंद किया जाएगा आपके स्टाइल बोलने को. सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वाइटल नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, दीज आर वाइटल फॉर एनी बिजनेसमैन, वाइटल फॉर एनी पॉलिटिशियन, वाइटल ऑल्सो फॉर साइंटिस्ट. तो साइंस का आपको ये मुद्दा है, आप उस मुद्दे को अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी पब्लिकेशन ठीक से लिख नहीं पा रहे हो, वो रिजेक्ट हो जाएगी, दुनिया जानेगी नहीं कि आपने क्या रिसर्च की. एक जंप मार दूं मैं अपने करियर का, एज अ स्टूडेंट जो हिंदी सीख रहा था अपनी माँ से, बाद में अंग्रेजी सीखी अपने पूरे परिवार से, मेरे बड़े ब्रदर ने भी मुझे सिखाई, वो भी अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे, और घर में हमारे कई टीचर्स हैं पर सभी पढ़ने लिखने वाले लोग थे. मेरी वाइफ तो एक चैरिटी टीचिंग में है, गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, मेरी बिटिया भी पढ़ते हुए भी पढ़ाती थी, आजकल वो शी इज अ टीचर इन बॉस्टन. हमारी जो बहू है वो भी टीचर है, मेरी बड़ी बहन भी टीचर है, तो एक पढ़ने लिखने का माहौल हमारा रहा है. और ये मैंने महसूस किया जब मैं मास्टर्स कर रहा था. उन दिनों मास्टर्स हमारी जियोलॉजी की थीसिस से होती थी. मसूरी में मैंने फील्ड वर्क किया था 2.5 महीना, बड़ा जबरदस्त वो चलना उतरना था पूरे पहाड़ों में, मसूरी के आसपास में. मसूरी से निकला लंडूर बाजार से, आगे तिहरी रोड पे गया, ऋषिकेश पहुंचा, उधर से बीच में आजू बाजू दो क्रॉस मारे, वो मालदेवता पहुंचा. 2.5 महीने ऐसे में पूरे पहाड़ों में फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट पे मेरी थीसिस थी. और वो जो सपोर्ट थी, फाइनेंशियल सपोर्ट वाज गिवन बाय हर फॉर दैट. दैट्स अ रीजन दो हर पत्थर जो मैंने रॉक फॉस्फेट का कलेक्ट किया था मसूरी से, वो मेरे बिल्कुल ऐसे जैसे बस बड़ा इश्क था मुझे उन पत्थरों से, और उन्हीं पे मैंने बाद में डॉक्टरेट की. बीच में मेरी जॉब लग गई, पर उससे पहले मैंने एक चीज सीखी. मेरे गाइड थे बड़े डैशिंग यंगस्टर थे, प्रोफेसर अशोक माधव पटवर्धन, वो आज की तारीख में पुणे में सेटल्ड हैं. दिस ईयर ही विल बी 80, आई एम 72. हमारा एज गैप ज्यादा नहीं था, पर ऐसा उनका इम्पैक्ट था, पढ़ाने का ऐसा स्टाइल था कि बस क्या बताऊं. उन्होंने मुझे जब मेरा थीसिस लिखने की बारी आई, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, हर वर्ड सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन वो कैसे कैसे करेक्ट किया. और उसके बाद में चलो थीसिस तो जमा हो गया मास्टर्स का, हमने ठाना कि इसमें से एक रिसर्च पेपर लिखते हैं. रिसर्च पेपर पता नहीं क्यों बच्चों को पता नहीं होता कि मैगजीन का क्या स्टैंडर्ड है. वो भेजना था लंदन नेचर मैगजीन में. नेचर दुनिया का सब साइंसेस का टॉप का जर्नल है. नेचर और साइंस ये दोनों जर्नल हैं जिसमें किसी का पेपर छप जाए तो अपने आप को बड़ा 30 मार्क का समझता है. हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, हमारा पेपर उसमें अल्टीमेटली छप गया. पर मैंने देखा 2.5 पन्ने का, वो टाइप्ड पन्ने का एक पेपर था, एक प्लेट थी फोटोग्राफ्स की, माइक्रोफॉसिल्स की. उनको करेक्ट करना, लिखना, फिर करेक्ट करना, 26 बार वो टाइप हुआ. उस वक्त 8 आने लगते थे एक पेज के टाइपिंग के, आप देख लीजिए हर बार 1 रुपया लग गया, 26 रुपये लग गए. 26 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता था 1971 में. और वो पेपर भेजा, वो रिजेक्ट हो गया. अब हमको बड़ा दिल टूटा, इतनी मेहनत करी थी. मुझे ऐसा लगा कि हमने कुछ इसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं करी है. देखिए अगेन कम्युनिकेशन की, मुझे कुछ दिल में खटक रहा था कि हम इसको बढ़िया तरीके से लिख सकते थे. हमने इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, वो एक ग्लोबल मैगजीन है, उसमें हमें इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करना था. 2.5 महीने मैंने लाइब्रेरी में, मेन लाइब्रेरी में बैठ के सारे नेचर के इशूज निकाले, देखा स्टाइल क्या है. जब मैंने स्टाइल भी अपना लिया, कंटेंट को
ऑल्टर किया, प्रेजेंटेशन को सुधार, तो मुझे लगा इसको दोबारा भेज देते, फॉर्मेट भी होता उसका, एक 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 कॉमा यहां, एक फुल स्टॉप यहां, एक कोलन यहां, ये वाले कैपिटल और ये वाले स्मॉल, ऐसे करके बड़ा भारी फॉर्मेट होता हर जर्नल का। अगर आपको उसकी तमीज नहीं है, लोग आपका पेपर उसी पर रिजेक्ट कर देंगे, फॉर्मेट करा हुआ है इसको, जो इसका जर्नल के फॉर्मेट तक की रिस्पेक्ट नहीं करता ये ऑथर, तो क्या लिखा होगा इसने। नेचर का एक स्टाइल था कि हफ्ते में रिजेक्शन आ जाती है उस वक्त, आजकल तो ईमेल से आती ना, तब तो उनका कार्ड आता था, हफ्ते में नहीं आई तो ये सोचिए कि छपने का चांस है। तो पागलों की तरह रोज डाक की तैयारी इंतजार करते, और वो 15 दिन के बाद में एक पोस्ट कार्ड आया, योर पेपर इज एक्सेप्टेड। मैंने सिर्फ ये कुछ स्टोरी इसलिए सुनाई कि एक छोटा पेपर 2.25 पन्ने का कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं एक वैज्ञानिक को। तो आप ये ना समझिएगा कि वैज्ञानिक को भाषा की जरूरत नहीं, वैज्ञानिक को कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत नहीं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स एक पेपर होता है जिसको अक्सर बच्चे गोल कर जाते हैं, पर जब इंटरव्यू होती है ना उन बच्चों की, या अपना CV लिखने की बारी होती है ना, तब उनको याद आता है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सीरियसली ली होती तो आज इंटरव्यू में ना पिटते, और CV ढंग से लिखा होता। CV का रिवाज है कि एक पन्ने में आपका एक फॉर्मेट, आजकल बढ़िया बढ़िया आ गए हैं, जैसे अरुण ने ये पोस्टर जो बनाया है, क्या बढ़िया फॉर्मेटिंग करी है, अरुण की टक्कर की फॉर्मेटिंग कोई कर नहीं सकता, बहुत गजब का ये IT एक्सपर्ट है। तो अरुण बंसल की बात कर रहा हूँ, मैं भी अरुण हूँ, तो वो उनको तब याद आता है जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स को सीरियसली लिया होता है, या परिवार में चलन होता है इफेक्टिव गुड कम्युनिकेशन का, वो बच्चे बढ़िया जॉब्स हथिया लेते हैं। वो जल्दी किसी को देखिए, बंदा आपसे 15 मिनट बात किया, आधा घंटा बात किया, आजकल तो चलन है 4-5 बार फोन पे बात करेगा, फिर वो वीडियो कॉल करेगा, आपकी शक्ल भी देखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखेगा, और आपने CV कैसा बनाया वो भी देखेगा। तो मुझे, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मेरा बेटा बढ़िया CV की फॉर्मेटिंग करता, एक पन्ने में क्या CV बनाया उसने, और उसकी कोई इंटरव्यू थी, उसके जो इंटरव्यू ले रहा था उसने ये पूछा कि भाई यार तूने ये CV कैसे बनाया, बड़ा गजब का बनाया। तो देखिए ये कमेंट आना, ये कितना बड़ा एनकरेजमेंट होता है। और जब मामला बड़ा नाजुक हो ना, वो बैलेंस बड़ा टाइट हो, तो हर 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 चवन्नी, हर नया पैसा काम आता है उसमें। ऐसे करके टिल्ट हुआ, आप सिलेक्ट हो गए, इधर को हुआ रिजेक्ट हो गए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जुगाड़ बिगाड़ भी सकती हैं, कर भी सकती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सफलता की दहलीज के इधर भी रोक सकती हैं और अंदर भी ला सकती हैं। लिखा, बोला, और कितना दिल से बोला, कितना आपके चेहरे पे लग रहा है कि ईमानदारी से बोल रहे हो, ह्यूमिलिटी से बोल रहे हो, कोई एरोगेंस नहीं है, कोई इम्पोलाइटनेस नहीं है, पर कहने का दम है, कह रहे हो। तो ये वाले सारे पहलू हैं, पर सबसे पहले जो मैंने बोला कि जो यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए ही है मेरी टॉक। अगर आपने अपने बच्चे के साथ उसको साथ दिया पढ़ने में लिखने में, ऐसे जैसे इन्होंने दिया था, आपको बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। शी डाइड इन 91, 30 साल के बाद में आज इनका बेटा जो इन, जब ये शी डाइड एट 67, मैं 72 का हूं, आज अगर मैं इनको डेडिकेट कर रहा हूं ये टॉक, आप समझिए कितना बड़ा योगदान रहा होगा एक माँ का। और ये हर हर पेरेंट को ये वाला योगदान अपने बच्चे के लिए करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाड़ में गए किट्टी पार्टी, भाड़ में गए वो घटिया घटिया वो सीरियल जो आते हैं, सास बहू के वगैरह वगैरह वगैरह, उनको कभी देख लीजिए टाइम अपना सेट करके, पर जितना टाइम, क्वालिटी टाइम, सिंसियर टाइम आप अपने जिगर के टुकड़े के साथ लगाएंगे ना, वो आपको ऐसी लास्टिंग खुशी देगा, ऐसा वो एहसास कराएगा। और अगर कभी कभी होता है
आदमी करना तो सब कुछ चाहता है पर गलत तरीके से कर रहा होता है, बिकॉज आइडिया नहीं होता। तो ये बातचीत का मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा अगर ऐसा लगे कि ये हमें क्या सिखाएगा, हम भी तो माँ बाप हैं, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। आपके बच्चे मेरे सब ग्रैंड किड्स के बराबर हैं। तो सभी बच्चों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सभी पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ। माई डॉटर इज 45 ईयर्स, माई सन इज 41, सो माई ग्रैंड किड्स आर 15 एंड 6। तो सबके सब जो इस एज ग्रुप के लोग हैं अगर सुन रहे हैं, सो प्लीज बिलीव दैट इट्स अ वेरी एल्डर फ्रेंड हु इज टॉकिंग एंड टॉकिंग, बिकॉज कहीं पे पिटे हैं गलत कम्युनिकेशन स्टाइल से और कहीं पे सफल हुए हैं। ये डिंग नहीं मार रहे कि हम तो बड़े भारी वो थे, ऑक्सफोर्डियन थे। ये भी देखिए, अगर छोटा मोटा दम था, ऑक्सफोर्ड में भी गेस्ट स्पीकर रहे हैं, कैनबरा में भी रहे हैं, ब्रिस्टल में भी रहे हैं, वेल्स में भी रहे हैं, स्वीडन में भी रहे, प्राग में भी, चार्ल्स यूनिवर्सिटी में भी रहे, और क्या अमेरिका की 4 यूनिवर्सिटीज में गेस्ट स्पीकर रहे, गेस्ट स्कॉलर रहे, यहाँ तो लिखी रखा हमने, ये सच लिखा हुआ बिल्कुल, इतिहास ज्यूरिख और यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनेटी ओहायो यूएसए, आई वाज अ विजिटिंग स्कॉलर यहाँ पे 2 साल और यहाँ पे 6 महीना। तो आप देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑनेस्ट हार्डवर्क विद योर एकेडमिक रिसर्च एंड पढ़ाई लिखाई, एन ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन एंड रेपुटेशन फॉर करेक्ट, बींग करेक्ट, बींग मेटिकुलस एंड बींग वेरी हार्ड वर्किंग विद योर प्रेजेंटेशन एंड टीचिंग योर किड्स, योर बायोलॉजिकल किड्स एंड योर किड्स इन द क्लास रूम और आस पड़ोस वाले भी बच्चे। और आजकल का जो जमाना बढ़िया आ गया है कि बैठ के घर में आप थोड़ा सा कुर्ता बदलो और लैपटॉप सामने रखो और जिसको भी सीखना हो सीख ले। और बढ़िया, तो सबसे बढ़िया तो इन वेबिनार्स का मजा ये है कि टॉक मरती नहीं, टीचर चला जाए, टीचर चला ही जाए जाए दुनिया से, पर कम से कम कुछ बोल तो गया। और अगर हमारे काम की होगी, आज हमें वक्त ना होगा, हम शायद यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट ही बैठे हों, बाद में देख लेंगे। ये मैं अपने इस YouTube पे भी डालने वाला हूँ, अर्थ टॉक्स करके है ये पूरा लिंक है, आप इसको अपना प्लीज इसको जरूर देखिएगा। इसमें कोई तकरीबन 70 वीडियोस हैं टॉक्स के, एक एंटार्क्टिका की बहुत बढ़िया लगाई है, और एक मेरी बाय चांस तुक्के में एक टेडेक्स टॉक हो गई थी, किसी बच्चे ने मेरा नाम दे दिया था। टेडेक्स टॉक को हम हिंदुस्तानी ज्यादा समझते नहीं, दो कारणों से, एक तो हमें उसका पता नहीं होता और दूसरे थोड़ा सा हमको वो भी रहता कि अरे क्या है ये अंग्रेजों ने सिस्टम बिजनेस बना रखा है वगैरह वगैरह। दोनों में कुछ सच्चाई भी है और बहुत कुछ गलत भी है, मैं आगे इसकी बात करूंगा। सो ये टाइटल है उसका, पर ये बिना लिंक के आप इसको खोल नहीं पाएंगे। और कुछ नहीं तो अपना स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी खोलिए, उसमें यूट्यूब पे जाइए, मेरा नाम टाइप करिए, मेरे कई सारे उसमें निकल आएंगे और उसमें आपको दिखेगा कि मैंने जो जो टॉक दी थी तकरीबन सभी हिंदी में दी थी। पहले नहीं देता था, मेरी स्लाइड सब अंग्रेजी में है, सारे रिसर्च पेपर अंग्रेजी में छापे हैं। मुझे लगा कि इस देश को अगर पढ़ाना है, इस देश को कुछ मदद करनी है बच्चों को और पेरेंट्स की, तो वो भाषा बोलिए जो दुनिया बोलती है यहाँ पे, बिन बात के नकली तरीके से एक अंग्रेजी ना बोलिए। हाँ सॉरी अरुण, मैं तुम्हें कुछ टाइम देना था, मैं तो भूल ही गया, आप प्लीज बोल दीजिए जो बोलना है अरुण। मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी अरुण ने देनी थी, मैं आप खुद ही देता हूँ। ये एक्चुअली कार्मेल कॉन्वेंट में एक अभी लेक्चर के लिए मुझे बुलाया गया था, वो कुछ यू सत्ता करके शायद कोई एनजीओ है, उन्होंने वहां पे बड़ा भारी फंक्शन किया था एनवायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का था, क्लाइमेट चेंज 2030 पे उन्होंने कराया था। आई ज्वाइंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 72, एमएससी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1970 में की थी, 2 साल में सीएसआईआर का रिसर्च स्कॉलर था, और उस दौरान ही मैंने वो पेपर नेचर में छापा था, और ये नौकरी मेरी यूपीएससी के एग्जाम से मिली थी। तो यूपीएससी के एग्जाम में भी अंग्रेजी का भी एक पेपर होता था जियोलॉजी के साथ में, आजकल इंटरव्यू भी होती है, हमारे जमाने में इंटरव्यू नहीं थी। तो जॉब कोई बच्चा ले जाए अपने बूते पे कंपटीशन से, ये यूपीएससी के एग्जाम की इज्जत और ही होती है। और इस नौकरी के बाद में मेरे पेरेंट्स का जो मेंटल मोरल और उनकी फिनेंशियल सिचुएशन और उनकी सोशल स्टैंडिंग बहुत गजब की हो गई थी। अरे
हमारा तो लड़का क्लास वन ऑफिसर है, क्लास वन गजेटेड ऑफिसर है, हालांकि हम तंबू लगा के आंध्र प्रदेश के गांव गांव में घूमते थे, गंदे कपड़े और रखे हैं, मिट्टी से लथपथ हैं, और सांप बिच्छू हमारे तंबू में घुस रहे हैं, तरह तरह की जो कैंप लाइफ होती है थी वो तो. एंड आई रिटायर्ड एज एच ओ डी डिपार्टमेंट जियोलॉजी, एंड मैं यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंट आउटरीच को थोड़ी देर के लिए हेड करता था. मेरा मेरे को मैंडेट मिला था यूनिवर्सिटी की सेनेट से, एक पैरा था कि जिसमें मुझे कहा गया था कि आप क्लाइमेट चेंज की रेपरकशंस का प्रचार करिए और बातचीत करिए. तो मुझे, मैं कैजुअली किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाता था, हाथ जोड़ के बोलता था भैया 15 मिनट मुझे दे दो, जरा बातचीत करनी. कई तो मेरे को बोलते थे हमें तुम्हारी ये बातचीत नहीं सुननी, मजाक में भी कहते थे, कुछ सीरियस होते थे, उनको आइडिया ही नहीं था. तो थोड़ी सी नाम बन चुका था, तो मैं अमेरिका में जब था, मुझे अमेरिका की नेशनल कमेटी, जो ये यूएनओ का प्रोग्राम था, इंटरनेशनल आउटरीच प्रोग्राम कमेटी, आईपीसी, आई इंटरनेशनल आईओपीसी, इसका इंटरनेशनल यूरोप लैंड अर्थ का मेंबर बनाया गया था. और मैं, जैसे मैंने कहा, मैं विजिटिंग स्कॉलर था ज्यूरिक में और सिनसिनेटी में, और गेस्ट स्पीकर था बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूएसए. और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखा था वो लिखना. मैं तकरीबन सारे हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में कॉलम्स एनवायरमेंट की और डिजास्टर मैनेजमेंट की लिखता रहा हूँ. और अक्सर, जैसा मैंने कहा, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, टीवी चैनल्स पे, सोशल हब्स में बोलता हूँ. तो बहुत, काफ़ी बोलने के लिए काफ़ी बदनाम हूँ, तो इसीलिए आज भी बोल. ये जो मैंने आपको टेडेक्स की बात की थी, ये उन बच्चों ने, अमृतसर वालों ने, लॉरेंस रोड पर, वैसे लगा बड़े जैसे इंग्लैंड पहुँच गए हो, तो अंग्रेजों के जमाने के नाम रखा था उन्होंने, भी बदला नहीं है, नहीं तो हमने तक बार बार धड़ाम धड़ाम से सारे नाम बदल दिए उनके. टेड मीन्स टेक्नोलॉजी, ई मीन्स, आई थॉट एजुकेशन, नो इट्स एंटरटेनमेंट, एंड डी इज डिजाइन. इसके अगर एक्स लगता है तब, अगर लाइसेंस लेके टेड के बाहर में लोग इसको इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज करें, इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज टेड इवेंट इज कॉल्ड दिस. हर यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, एक अपने लिए एक, जिसको बोलते हैं बीइंग डिफरेंट, अगर वो टैग लेना है जो आम काम आता है, देखो हर टैग काम आता है दुनिया में, एक इवेंट कराना चाहिए. अमृतसर में ये पहला इवेंट था, और उसकी पूरे शहर में वो तस्वीरें लगी हुई थी, वो लंबे लंबे वो फ्लैग्स टंगे हुए थे. मैं बड़ा हैरान था कि मैं तो गरीब आदमी, कभी कोई पूछता नहीं था, इन बच्चों ने ऐसी, खालसा कॉलेज में किसी ने मेरे लेक्चर सुन के मेरा नाम यहाँ दे दिया. हम टीचर अक्सर बच्चों को रिकमेंडेशन देते हैं, वहाँ किसी बच्ची ने, जो बीकॉम की स्टूडेंट थी, उसने मेरे को रिकमेंडेशन दे दी, और मुझे फ़ोन आया कि आप प्लीज़ आइए अमृतसर दोबारा. मेरे घुटनों की सर्जरी हो चुकी थी, मैं जाना नहीं चाहता था, तो मेरे बच्चों ने सुना कि हमारे पिताजी को टेडेक्स का पता ही नहीं क्या है, तो उन्होंने हमें बोला कि यहाँ जाना चाहिए आपको, आपको थोड़ी सी इज्जत मिल जाएगी और आपको मज़ा भी आ जाएगा. मज़ा तो ऐसा आया कि 15 मिनट में टॉक देनी थी, 18 मिनट उसकी लिमिट है, अगर 18 क्रॉस की तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. और ये पोस्टर उन्होंने मेरा बनाया था, ये फोटो भी मेरी कहीं नेट से निकाल ली थी, ये मेरे बेटे की शादी के टाइम की, 13 साल पुरानी. तो ये आप देखिए, टेटेक्स का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ी भारी स्ट्रेस थी मुझे, और उन बच्चों से पूरा मैनेज भी नहीं हुआ, बिकॉज टॉक में स्लाइड शो इधर को था, और वो जो एडिटिंग करनी थी वीडियो की, वो ठीक से कर ना पाए, वो अरुण बांसल जैसे एक्सपर्ट नहीं थे, और वहाँ पे लोड ना कर पाए, और मुझे ये भी नहीं पता था कि लोड हो गया, तो मैं अपने आप को टेडेक्स स्पीकर भी कहना बंद कर दिया था. अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि मेरी तो टॉक लोड हो गई थी, तो अब मैं अपने नाम के आगे टेडेक्स स्पीकर, आज इनफैक्ट उस पोस्टर में मैं लिखवाना चाहता था, पर उन, क्योंकि बहुत वो देशभक्त आदमी है, ये अंग्रेजी का कुछ लिखता नहीं है. तो एनीवे, ये वो तस्वीर है जिसमें हमें ये मिल चुका था, पर हमारे को पता नहीं था कि मेरा लिंक है कि नहीं. ये जो लेडी थी मेरे से पहले बोली थी, अनुजा कपूर, शी इज ग्रेट एक्टिविस्ट, जो 10-12 टॉक्स, टेड टॉक्स दे चुकी हैं, और बहुत स्टाइल से बोलती हैं, जो एक नई एमपी है ना, वो तृणमूल कांग्रेस की, महुआ, क्या है, महुआ करके नाम है उनका, वो बड़े ताकड़ बोलती हैं, और उनको अभी स्पीकर ने बोला था तुम इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो, तो शी स्पोक दैट स्टाइल. और इनके चक्कर में जब मेरा नंबर आया, इनके बाद ही तुरंत बोला था, मैंने भी ऐसा लगा अपने आप को, मैंने कहा मैं सोचता हूँ कि मैं भी शशि थरूर हूँ, थोड़ा स्टाइल से बोलूँ, और मैंने इतने धाए धाए करके 13 मिनट में अपनी टॉक कर दी, कि अभी घर में सुनाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि इतना तुम लड़के क्यों बोल रहे थे, इतना गुस्से में क्यों बोल रहे थे. मुझे स्पीड से बोलना था, बिकॉज जितना बोल सकता था वो 13 ही मिनट में बोलना था. तो ये देखो, अब कभी कभी कुछ भी होता है तो टीवी वाले घर भी आ जाते हैं, बिकॉज अक्सर होता है कि
मैं अब चैनल पे नहीं जाता, पहले चला जाता था जब नौसिखिया था, मैं कहता मुझे नहीं आना भैया, तुम्हारा चैनल चल रहा, बिजनेस चल रहा है, मैं खाम खा में धक्के क्यों, आजकल तो जाने का सवाल ही नहीं है, जो वेब पे बात कर ले तो कर ले, नहीं तो नहीं सही। ये देखो दूरदर्शन पे भी हम, और दूरदर्शन वाले तो आपको पैसे भी देते हैं, ये जो प्राइवेट वाले हैं ये तो बड़े वो हैं, चुन्नी नहीं देते और आके आपका खूब सिर खा जाते हैं। और ये आई एम रिमेम्बर इस अपेयरेंस का 6 साल पुरानी है, ये बेटे ने घर पे बैठे फोटो खींच ली थी, तो तकरीबन 5,000 रुपये मिला था, काफी होता है वो, ध्यान रखना पड़ता है इनकम टैक्स के लिए, उसमें डालना ITR में। ये कुछ मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपके अपनी कम्युनिकेशंस के लिए, जहां जहां मुझे थोड़ी सी मैंने एग्जाम्पल निकाला है सो दैट कुछ आइडिया हो जाए। ये पीछे में वो बटालवी साहब की कविता है रुख, रुख पंजाबी में पेड़ को बोलते हैं, उसमें वो बोलता है कुछ रुख लग दे मावा मैनू, कुछ रुख लग दे पुत्र, तो कुछ कुछ बेटियों जैसे लगते हैं, कुछ दादी जैसे लगते हैं। उसने अस्पताल की खिड़की से बाहर देख के ये कविता लिखी थी, और अभिप्राय ये था कि ये देखो एक कवि ने क्या एनवायरमेंट का क्या संदेश दिया। मैं इस वक्त अपनी तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं एक्चुअली शिव कुमार बटालवी को सलाम बोल रहा हूँ कि पर्यावरण का एक इतना बड़ा संदेश। इनफैक्ट जितना हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन मैं अभी भी पॉल्यूशन बोलता हूँ, अभी भी मेरा ग्रैंडसन सुन ले तो बोलेगा कि दादू को अभी भी नहीं आया बोलना ठीक से। सो प्लीज याद रखिएगा, जो एक गलत बात एक गलत बोलने की आदत पड़ जाए वो आदत हो जाती है, जाती बड़े मुश्किल से है पर चली जा सकती है, अगर आप ठान लीजिए कि मैंने अपनी बेइज्जती नहीं करानी, मैंने अपने आप को रिजेक्ट नहीं करवाना, मैंने अपने आप को प्रमोट करना है एज ए स्मार्ट पर्सन, एज ए करेक्ट पर्सन, जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्ट स्टाइल है। तो ये थापड़ कॉलेज में बहुत बड़ा ऐसी यूनिवर्सिटी है थापड़ की, आपके बच्चों को मौका मिले थापड़ जरूर एक को भेजिएगा। थापड़ यूनिवर्सिटी पटियाला में है, पर उस गली में जैसे ही घुसते हो अरे पता लग जाता है कि थापड़ वाली है, ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन पटियाला में, मतलब इधर में एक जिसको पटियाला तो बड़ा मशहूर था ना, नाले के गैल गैल पटियाले के बीच में इतना गंदा, और वो इधर में थापड़ यूनिवर्सिटी लाइक एनी IIT गजब की, और इतने बड़े जबरदस्त एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो लोग। उनके वहां पे एक स्वामी जी आते हैं, उनका नाम है पीपल बाबा, वो मोटरसाइकिल पे पेड़ के सैपलिंग्स लेके जगह जगह जाके लगाते हैं, उनका वैसे नाम उनका स्वामी परिवर्तन करके कुछ ऐसा, तो popularly is known as, ये है वो टॉक जो बोटेनिकल सोसाइटी खालसा कॉलेज अमृतसर ने कराई थी, इंटर कॉलेज फ्लावर शो एंड पोस्टर कंपटीशन स्प्रिंग 2018, इसमें था वो क्लाइमेट चेंज सागा थ्रू अर्थ हिस्ट्री जो मेरी टॉक थी। और ये टॉक मेरा एक उस दिन पता नहीं क्या था मुझे, खालसा कॉलेज में 125 साल पुराना कॉलेज है वो, तब 3 साल पहले उसमें घुसते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कैम्ब्रिज में घुस गया हूँ, और उस कॉलेज के अंदर बड़े बड़े स्कूल हैं और छतें भी इतनी ऊंची हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना हो तो ढेर सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, सर्जरी हो चुकी थी मेरी घुटनों की, बड़ा मेरे को कष्ट था, बट मेरे को अभी भी वो भूला नहीं वो एहसास, उसको तो उस एहसास और वो जो फीलिंग थी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, उसके कारण ये टॉक जो थी, हालांकि मैं आई वॉज फीलिंग वेरी वीक, ये टॉक मेरी ऐसी फिट बैठी कि, और बड़ी ब्रीफ दी मैंने, फालतू की बात नहीं करी, अक्सर होता है अगर आप फालतू बोलते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, तो आज तो क्योंकि मुझे अपनी बात पहुंचानी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा फालतू बोल रहा हूँ, प्लीज माफ करिएगा मुझे। पर आप ये देखो उस बच्ची ने कितना बड़ा काम किया, एक बुजुर्ग प्रोफेसर को रिकमेंड कर दिया, उसको TEDx टॉक करवा दी जो उसकी औकात की नहीं थी, ना उसने कभी ख्वाब देखा था। ये देखो बॉटनी वाले एक स्पीकर को 1, 2, 3, मेरी तो गड्डी पूरी भरी हुई थी इन बुकेस से, और देखिए हॉल देखिए कितना ऊंचा है और क्या मैग्निफिसेंट हॉल है, कितना बड़ा ये स्टेज से मैंने कहा एक तस्वीर तो ले लूं, जो बहुत स्टाइल था, फोरग्राउंड में फ्लावर्स और पीछे ये सब बच्चे और वो ढेर सारे पोस्टर लगे। खालसा कॉलेज अमृतसर में भी कोई बच्चे को अगर भेज सके कोई तो जरूर भेजे, वैसे भी खालसा अमृतसर जाने में भी एक बड़ा आनंद है, और किसी विदेश में भेजने से अच्छा आप खालसा कॉलेज भेज दीजिए।
थापड़ भेज दीजिए, रुड़की आईआईटी भेज दीजिए, बहुत गजब है। मुझे अभी भी ये बॉटनी वालों का वो था, ये हेड थी जहाँ पे मेरी कुछ मेमोरीज थी जो मैंने आज ये मेरे पीएचडी गाइड हैं प्रोफेसर ओएन भार्गव। एंड इनको इंटरव्यू करने के लिए मुझे दूरदर्शन चंडीगढ़ में मैंने एक इंटरव्यू की थी पद्मश्री सीपी वोरा, इधर अर्जुन अवार्डी, एंड ही बीन ही वाज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1965 एंड इन थर्ड अटेम्प्ट, बिकॉज तीन बार वो गए थे और वही थे जो हर तीन एक्सपीडिशन में चले। आखिर में दो थे पुराने वाले जो चढ़ पाए और नौ लोग चढ़ गए। मैं 10th क्लास में पढ़ता था, बड़ी भारी खबर थी वो उस वक्त। आजकल तो एवरेस्ट पे हर कोई चढ़ लेता है, पर उस वक्त हम फेल हो रहे थे और दुनिया का कोई ना कोई चढ़े जा रहा था। उस दिन कहते हैं पूरे देश में वर्चुअली लोग नाचे थे कि भाई हमने एवरेस्ट कंकर कर लिया, हमारे नौ लोग चढ़ गए। तो क्योंकि दूरदर्शन में मेरा थोड़ा सा स्टाइल हो गया था कि मैं इंटरव्यू अच्छी ले लेता हूँ, तो इनको भार्गव साहब को कोई अवार्ड मिला था, तो मैंने कहा सर आप दूरदर्शन पहुंचिए, मैं भी वहां आ रहा हूँ और मैंने आपकी वहां इंटरव्यू लूंगा। सो ये एक चार इंटरव्यू लिए मैंने दूरदर्शन में भी। प्राइवेट वालों में तो आप ऐसे जा भी नहीं सकते, बहुत बड़ा उम्दा दूरदर्शन केंद्र है चंडीगढ़ का। तो वहां पे मैंने ऐसी किसी को कहा भाई एक हमारी फोटो खींच दे, थोड़ा सा याद रहेगी कि मैं गुरु चेला हम इकट्ठे आए थे। और मैंने नहीं तो गुरु जी की इंटरव्यू लेते किसी भी शिष्य को थोड़ा सा ना डर लगता है, है? कि वो कहेंगे क्या बोल रहे थे। तो ये गुरु सीरीज का एक लेक्चर था शूल यूनिवर्सिटी सोलन में। ये भी एक यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसी ऐसा आबो हवा, वहां का एनवायरमेंट और ब्यूटी सब कुछ और स्टैंडर्ड। ये प्रेम खोसला साहब एक्चुअली एक फॉर्मर वाइस चांसलर है पालमपुर यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर। तो जब कोई वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी खोलता है तो फिर वो स्टाइल अलग होता है। इनका ये स्टाइल था कि फोटो खींच के साथ में एक टाई भी दी थी उन्होंने, मैं गुरु सीरीज का उनका एक स्पेशल लेक्चर था जो देने के लिए गाजियाबाद से यहाँ आया था, शताब्दी से कालका पहुंचा, वो लेके गए। और तब की ये एक कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको अपनी यादें। म्यूजियम में मैं 9 दिन वॉलंटियर किया था चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल में। ये प्रोफेसर बलराम गुप्ता हैं, ये डॉक्टर कालरा हैं, शी इज डायरेक्टर ऑफ पंचकुला मेडिकल हॉस्पिटल। तो ये एक्टिविस्ट थे उसमें। अभी अगले महीने चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल होना है, फिर आई विल बी वॉलंटियरिंग। तो थोड़ा सा ये हमारा इंस्पायर कैंप, जो इंस्पायर कैंप में अपने बच्चे को प्लस वन प्लस टू के लेवल पे प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका बच्चा इंस्पायर कैंप में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरूर जाए। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इंस्पायर कोऑर्डिनेशन सेंटर है बहुत उम्दा है। तो ये आपको जिंदगी भर के लिए एक जिसको बोलते हैं ना वीआईपी स्कॉलर बना देता है। इसमें यू आर एलिजिबल फॉर सो मेनी स्कॉलरशिप्स एंड सो मेनी रिसर्च ग्रांट्स एंड व्हाट नॉट। तो और फिर उसमें जाने से बच्चे का जो हौसला बढ़ता है ना, उसको लगता है कि मैं एक वीआईपी स्कॉलर हूँ। जब अपने आप को एहसास आ जाए कि मैं आई बीन गिवन ए रिकॉग्निशन, तो वो जोर लगा देता है, फिर किसी डरता नहीं। हौसला बड़ी चीज होता है। तो इंस्पायर कैंप का एक ये देखिए एक ये भी इंटरनेशनल एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल था इंडिया में, सीएमएस वातावरण, ये मैडम उसकी वो है ओना एक एनजीओ है, सीएमएस वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमिटी यूनिवर्सिटी के मीडिया सेंटर में ये हुआ था और मैं और कुछ और लोग, हम 10-12 लोग, वी वर मेंबर्स ऑफ ज्यूरी, नॉमिनेशन ज्यूरी। मैं जिंदगी में कभी ऐसा मुझे किसी ने बनाया नहीं था। एक के बाद एक कुछ ना कुछ जिसको बोलते ना ये सीएमएस वातावरण ये है, ये 9th फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑन एनवायरमेंट था। तो कहते हैं ना कभी कभी लगने लगते हैं तुक्के तो काफी सारे लग जाते हैं। ये अभी 26 जनवरी को मैंने ये टॉक दी थी, एक वेबिनार था बॉम्बे में आजादी का अमृत महोत्सव में, उन्होंने एनएसएस यूनिट ने एक टॉक कराई थी और मैंने ये टॉक वहां पे दी थी। उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर आप बोलते ढंग से नहीं है और लिखते ढंग से नहीं है, आपका चरित्र रुल जाता है, आपका करियर जो है मिट्टी में मिल जाता है। बिल्डिंग कैरेक्टर्स एंड करियर्स
नोइंग एक्साइटमेंट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन जियोलॉजिकल लैंडस्केप थ्रू स्पेस एंड टाइम। ये बात मैंने करी थी उस दिन, तो वो 2 घंटे चल गई थी। ये थापर वाले हैं, ये लड़का भी बहुत जबरदस्त एनवायरमेंटलिस्ट है, और ये वहाँ का CMS वातावरण का कुछ दृश्य है। और ये रात के 10:30 बजे मुझे जम्मू से फोन आता है भट्ट साहब का कि हमारे यहाँ पे बेसिक साइंस कॉन्फ्रेंस हो रही है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की में 5-6 बड़े जो मार्वलस कॉलेजेस थे उनको इकट्ठा करके एक यूनिवर्सिटी बना दी है। भट्ट साहब बोले कि मेरे को जियो साइंसेस का कोई बंदा बोलना था, और मैंने उनको बोल दिया कि अरुण अलवालिया के पास कंटेंट भी अच्छा होता है और बोलता अच्छा है, उसको बुला लो। और मैंने कहा साहब वहाँ तो बालाकोट की स्ट्राइक होके चुकी थी, वो वहाँ पे बस स्टैंड पे एक ग्रेनेड फटके चुका था, घर वाले जाने नहीं देंगे तो पंगा हो जाएगा। तो जैसे तैसे मैं हाथ बांध जोड़ के जैसे चला गया, और मैंने वहाँ पे टॉक दी। मैंने वहाँ पे जो बात बोली कि ये एनवायरमेंट का जो कॉमन थीम है, अगर सारे देश हम करने लगेंगे तो शांति परमानेंटली इस रीजन में बहाल हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हथियारों पे चवन्नी खर्चने नहीं पड़ेगी, और यूनिवर्सिटीज बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, कल्याण हो जाएगा हमारे देश का। अभी खामखा में हमें गरीब देश है और इतना सारा पैसा हम वेस्ट करते हैं। तो ये एक उदाहरण, सिर्फ थोड़ी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इनफैक्ट ढेर सारी मैं तकरीबन 300 घंटे के ऊपर की इनवाइटेड टॉक्स दे चुका हूँ। तो ये अभी क्रिड चंडीगढ़ में एक बड़ा भारी सेंटर है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की मीट थी, और ऐसे ही हमें फटाफट उन्होंने बोल दिया था कि आप आ जाओ और चेयर सेशन क्लाइमेट चेंज पे। मैंने यूट्यूब पे भी कुछ कल एक वीडियो बनाया, कप पार्क में खड़े होकर 12 मिनट के भाषण दिया और वो डाला है, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। मैंने कुछ नई बात बोली है क्लाइमेट चेंज पे। हमेशा बात वो सुनी जाती है जिसमें कुछ नवीनता हो, जो रूढ़ीवादी बिन बात की पीटी घसी पीटी लाइन पे ना चल रही हो, दम हो सोचने का और कह देने का, और थोड़ा सा रीजनेबली। ये नहीं कि नई बात कहनी है तो कह दी। तो ये कुछ एक उदाहरण, ये वो क्या बोलते हैं उसको, सस्टेनेबिलिटी का वो है शिमला में सेंटर। ये शर्मा जी हैं, हिमाचल से शिमला से आए थे, शर्मा जी, LC शर्मा, ही इज अ PhD इन जर्मन लैंग्वेज। मैंने भी जर्मन लैंग्वेज सीखी हुई है, पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में सीखी थी, फिर स्विट्जरलैंड में 3 महीने का कोर्स किया था फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी में। आई वाज अमेज्ड टू सी अ पर्सन एन इंडियन हु हैज डन PhD इन जर्मन लैंग्वेज। तो देखिए कोई सीमा नहीं होती है भाषा की, ज्ञान की, और उसमें परिपक्वता की। तो ये हमारी किताब है, अल्टीमेटली कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर जील एंड Your positive approach takes you places, takes you to new ladders. बच्चे को 4 साल की उम्र से आप 24 की तक 20 साल अच्छी सपोर्ट दीजिए, ये उसको लगे ना कि आप दे रहे हैं, ऐसे तरीके से दीजिए इंटेलिजेंटली इमोशनली कि उसको ये लगे कि साथ खड़े हैं आपके, आपको जितनी मदद चाहिए उतनी देंगे, फालतू की नहीं देंगे, आप पे भार नहीं डालेंगे, आपके उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। बच्चे का एप्टीट्यूड देख के, भेड़ चाल में नहीं कि हर किसी बच्चे को धक्के खिलवा दीजिए ट्यूशन सेंटर के, अपना भी प्रोविडेंट फंड खाली कर दीजिए, और वो जो ट्यूशन मास्टर हैं उनके आप बैंक बैलेंस भर दीजिए, वो यूनिवर्सिटियाँ खोल लें, बड़ी बड़ी कोठियाँ खरीद लें, और हम कंगाल हो जाएं, और हमारे बच्चे वहीं के वहीं। पढ़ाई जिसने करनी है सेल्फ स्टडी से, मेहनत से, रिविजन रिविजन और रिविजन से, NCERT की बुक की 3 रिविजन जिसने कर ली, और उसके बाद में जो कुछ करना है मदद आपस में बच्चे कर लें, इनफैक्ट म्यूचुअल डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स एंड बेसिक हार्ड वर्क ऑन प्राइमरी बुक्स रिटन बाय बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द बेस्ट स्टाइल इज मच बेटर देन वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम एंड गोइंग टू एक्सप्लॉयटर्स। दिस ट्यूशन इज द बिगेस्ट वहां पे ऐसे ऐसे कौड़ी के कई बार लगे होते हैं बंदे जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली, वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और उस ट्यूशन वाले को जो सेठ है उसको सस्ते वाले टीचर चाहिए, जिनको सस्ते मिलते हैं आप समझ सकते हो क्या क्वालिटी देंगे वो। देखिए एक छोटा सा पर्चा लिखा था 2006 में करंट साइंस में बेंगलोर में, अमेरिका में बैठ गए, यहाँ छाप दिया था पर्चा, और पता भी नहीं था छप गया,
पर ये जो अपने कलाम साहब थे ना, बड़े गजब के कमाल के आदमी थे, इन्होंने पढ़ लिया एंड ही रोट मी के जो हेरिटेज पे था, इंडिया के लैंडस्केप की वैल्यू पे था कि व्हेन यू बैक आई वांट टू मीट यू। और मिले हम, आप देखिए अगर एक साधारण से गरीब से प्रोफेसर को कलाम साहब के जैसा बंदा बुला ले तो शोर मच जाता है ना, कि परिवार में भी हमारे शोर मच गया और यूनिवर्सिटी में भी कि देखो क्या बात है, क्या लिखा पर्चा। पर्चे की वैल्यू उतनी हो गई उनके कारण, और ज्यादा हो गई, और पर्चे की वैल्यू इतनी थी, मैं दावे से कहता हूं कि अगर मेरी बात मान ले, और आजकल थोड़ी हो रही है, तो हमारा देश अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्जरलैंड की टक्कर करेगा। बात सिर्फ ये होती है, बात में एक ऑनेस्टी होनी चाहिए और कहने का स्टाइल होना चाहिए। और ये आसपास में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे भारद्वाज साहब ये फार्मेसी के बड़े भारी स्कॉलर हैं, ये वो वाइस चांसलर इन बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको बुएस्ट बोलते हैं। तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हमारे आसपास में, मैंने शुलनी का नाम लिया, बहुत अच्छी अच्छी खुल गई हैं। ये मुझे कुछ एक आदत पड़ गई, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं किसी DST की मीट में गया था हैदराबाद, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मैंने फ़ोन किया एंड वो बोले कि मैं तो ऐसी बातचीत कर ली क्या था कि आ जाओ यार एक लेक्चर दे दो हमारे यहाँ। तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे चलते चलते एक लेक्चर दे दिया। तो ये MG के मेनन, ही वॉज अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इन जनता गवर्नमेंट, और ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर रहे थे, और ये हमारे यहाँ पे आए थे 2009 में। तो हमें एक तो एक बात बोलूँगा, बच्चे को एक बात सिखाइए, बड़े से बड़े आदमी के साथ जाके नमस्ते करके बात कर लो, खासतौर पर बड़ा आदमी छोटे बच्चे की बात जरूर सुनता है। और हम भी जब बच्चे थे हम बड़े बड़े लोगों से बात कर लेते थे, तो हमने जाके मैन साहब से कहा कि साहब आप लंच हो गया, कहते हाँ लंच हो गया, मैं साहब 10 मिनट हमारे डिपार्टमेंट चलिए, थोड़ा म्यूजियम दिखाएंगे आपको, मजा आ जाएगा आपको। और वो आ गए, ये उनकी वाइफ थी साथ में, ना ये साथ वाइफ थी, ये कोई और उनकी गेस्ट थी, ये राजीव पटनायक बड़े जबरदस्त वैज्ञानिक हैं, आज डार्विन डे है बाय द वे, 2009 में मेरी रिक्वेस्ट पे राजीव ने एक डार्विन डे पे टॉक दी थी। सो डार्विन साहब को भी नमस्कार, और उनको भी ये जो बातचीत है समर्पित। डार्विन साहब जियोलॉजिस्ट थे बाय द वे, कई लोगों को ये पता नहीं है कि चार्ल्स डार्विन वाज अ जियोलॉजिस्ट। ये चंडीगढ़ का सीन है जो ये पेंटिंग का भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। आप देखिए कोई पेपर की जरूरत नहीं है, ये इसने जो हाथी घोड़े यहाँ पे बनाए है ना अपने राजीव पटनायक ने, ए पर्सन हु हैज सम फिंगर्स लेस yet a good geologist, a good teacher, a good scholar and a marvelous painter. ये पंजाब यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, T1 के जो फ्लैट बने हैं उनमें फर्स्ट फ्लोर पे, कभी 25 सेक्टर में इनके दर्शन करिए। और ये अपनी DAV यूनिवर्सिटी, देखो थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर वो हो जाती है ना एडवर्टीजमेंट, तो कैसे करके एड आती, इन्विटेशन आती है। हमारे फिजिक्स के राजीव पुरी और वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर, उनका नाम भूल जा रहा हूँ, यंग से हैं वो दोनों जने, वहाँ पे इंस्पायर में लेक्चर देने गए थे। उन्होंने उनको बोला कि उनको एक स्पीकर चाहिए था, क्या वाले को बुला लो। मुझे उनका फ़ोन आता है कि वो आए थे और उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आपको ज़रूर बुलाना है। मैं उस वक्त वॉशरूम में था, फ़ोन दिया, मैंने कहा मुझे आप 2 घंटा दीजिए, मैं ऐसे तो शॉर्ट नोटिस पे नहीं चल के आ सकता, अभी चलूंगा तो भी जलंधर पहुंचना है वो पठानकोट रोड पे। तो मेरा जो ड्राइवर मेरे साथ जाया करता था, मैंने उसको बोला, वो बोला हाँ जी चलूंगा। वो 2 घंटे में आ गया और जैसे तैसे मैं रात को वहाँ पहुंच गया, और अगले दिन 3 घंटे की टॉक हुई DAV यूनिवर्सिटी इसमें। तो ऐसे ऐसे करके अगर आपका जो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी ईमानदारी और उसकी असरदारी, अगर ये भी इंस्पायर कैंप था बातचीत में का, तो चलता बड़ी दूर तक। तो ये लास्ट पिक्चर है शायद, ये कीनिया का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है नैरोबी का, तो शायद ये लास्ट है। हाँ ये एक थोड़ी सी वैरायटी आपको, ये स्विट्जरलैंड में मेरे होस्ट थे प्रोफेसर गैंसर, बहुत हिमालय के बड़े जबरदस्त विशेषज्ञ। और मैं बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स एट द एज ऑफ 24, मैं मसूरी एकेडमी में, IAS एकेडमी में था 4 महीने, उसके कारण नहीं, बिकॉज आई वॉज एन ऑफिसर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्रोबेशन दूसरे वाले थे,
ये आईएफएस ऑफिसर थी ये, और ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, जो बड़ी भारी स्कॉलर थी, यूएनओ में असेंबली की प्रेसिडेंट थी। और राजेश्वर प्रसाद, ये मसूरी एकेडमी की कुछ तस्वीरें हैं, और ये हमारे नेपाल के फील्ड वर्क की तस्वीरें हैं, ये हमारे ज्यूरिख के स्टे की तस्वीरें हैं। ये बच्ची जो आज 45 साल की है और ये 41 साल का है, ये 1984 की तस्वीरें हैं। तो ये हमारा, ये ऐसे ही गुड़गांव गया हुआ था बेटे के पास, एमिटी इंडस्ट्री से फोन आया कि यहाँ पे हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत है, और हम चल दिए। तो धीरे धीरे करके हमने, मैंने बोला था ना, मैंने हर एक एक आर्टिकल लगाया सिर्फ, मैंने, ये इंडियन एक्सप्रेस का है, कालका शिमला रोड पे जो गड़बड़ हो रखी है उसके बारे में। तो ये सब उदाहरण देते हुए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इनफॉर्मल इंटरेक्शन कैन ऑफन रिक्वायर स्पीकिंग लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट। साइंस कम्युनिकेशन नीड्स टू बी साइकोलॉजिकली वाइजर, नॉट ए हॉलो रिचुअल। कुछ थोड़ा सा दिमाग से, थोड़ा सा टैक्ट से, थोड़ा सा केयरफुली वो आपकी बात सुने, आप उनके आंखों में आंखें डाल के बोलें, थोड़ा धीरे बोलें, असरदार तरीके से बोलें, बार बार बोलें, और उनसे कुछ सवाल हो तो पूछिए, भी कुछ पूछना है। बेसिक साइंस एजुकेशन इफ इट कंटिन्यूज टू बी इन इंग्लिश विल नेवर रीच अवर 1.4 बिलियन पीपल। पुअर स्कूल विल नेवर बेनिफिट, लीविंग देम आउट इज लीविंग आउट इंडिया। ये मेरा मैसेज है, जो पढ़ाते हो दम रखिए कि उस बात को हिंदी में, पंजाबी में, मलयालम में, बंगला में, मराठी में कहना सीखिए, अदरवाइज देश को ना पढ़ा पाएंगे आप, जितनी आपने पीएचडी कर ली, मास्टर्स कर ली, किसी काम की नहीं। अगर आपका कम्युनिकेशन का माध्यम इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं दुनिया से और उनकी लैंग्वेज में लोग, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट भी है, ये तो पहले से है पर हुआ नहीं कभी। आज अगर हमने नहीं किया 75 साल के बाद में ये, तो मानिए मेरी बात, 100 साल 200 साल यही चलने वाला है। ये इट इज डू और डाई, नाउ और नेवर। चेंज योर स्टाइल, चेंज योर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, चेंज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज टीचर्स, चेंज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज पेरेंट्स, चेंज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। इसमें से बाहर निकल जाऊं मैं, स्टॉप शेयरिंग कर दूं? जी, तो सर हमने काफ़ी कुछ सीखा आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में, और आपको कम्युनिकेशन ने कैसे हेल्प किया, पूरी दुनिया घुमा दी आपके कम्युनिकेशन स्किल ने। और क्रैश करा दी, क्रैश करा दी इसको बोलते एट द एज ऑफ हैं। 24 आपने बताया आईएएस एकेडमी में भी आपके लेक्चर्स हुए, और इसी कम्युनिकेशन लेक्चर स्किल नहीं, की। लेक्चर नहीं, मैं वहां पे ट्रेनी था। आई वाज अ प्रोबेशनर हु हैड गॉन फॉर फाउंडेशनल कोर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉमन था आईएफएस, आईपीएस, आईएएस और सभी सेंट्रल सर्विसेज के लिए। आई वाज आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 14 लोग जीएसआई के भी वहां पे थे, और वहां पे एक कम्युनिकेशन और थी जो बड़ी काम थी, जो भी मैंने अपनी माँ से सीखी थी। वो केएल सहगल की फैन थी और लता मंगेशकर की फैन थी। मैंने बचपन से केएल सहगल का गाना सीखा था, और वहां पे होती थी शाम में गजल, तो वहां पे एक आज मैंने इकबाल बानो की और केएल सहगल की गजल गा दी, और मैं वहाँ कल्चरल एक्टिविटी काफी होती थी, तो मैं बड़ा मशहूर हो गया। वैसे भी थोड़ी बहुत डिबेट करता था ना, कई बार मैंने डिबेट में वो कॉन्वेंट पढ़े, वो आईएएस टाइप्स को कई बार मैंने उनकी अच्छे से हजामत बनाई, और वो लोग मुझसे पूछते थे तुम कौन से कॉन्वेंट से पढ़े हो। मैं कहा मैं किसी कॉन्वेंट के दरवाजे में भी नहीं घुसा, मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ाऊँ जहाँ पे कुर्सी मेज भी नहीं था, जमीन में कपड़ भी नहीं था, कई सेक्टर में ना तो बहुत बुरी हालत थी, कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी हुई थी, जमीन में बैठ के पढ़ते थे। पर उस स्कूल के टीचर्स ऐसे थे जिनको मैं आज भी याद रखता हूँ, गजब के टीचर्स थे। लैब में लैब वर्क होता था, हायर सेकेंडरी की थी मैंने वहां पे, 9th से लेके 9th 10th 11th लैब वर्क होता था। ये ढोंग नहीं होता था कि जाओ ट्यूशन सेंटर में चले जाओ, अटेंडेंस लग जाएगी, ये बेईमानी नहीं होती थी पढ़ाई में। आजकल तो ये बिजनेस हो गया है, इधर में एडमिशन और उधर में पढ़ाई, और दोनों तरफ प्रैक्टिकल जीरो। हम कैसे साइंटिस्ट निकाल रहे हैं? तो जो आपके विषय में जानकर हमें समझ आती है बात, और जो आसपास लोगों से बातचीत करके भी समझ आती है बात, कि कम्युनिकेशन यानी अपनी बात को सामने रखने का जो तरीका है,
जो सलीका है, जो ढंग है, वो अगर आपके पास अच्छा है, आप अपनी बात को आगे कह सकते हैं, रख सकते हैं, समझा सकते हैं, तो दुनिया में आपको सुनने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए आपको बुलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ऐसा हो सकता है। सर, आपकी ज़िंदगी के बारे में हमने बहुत सारा कुछ जाना, आपको आपकी सफलताओं के बारे में जाना। अब Sorry आप for looking immodest. I shouldn't have looked so immodest, but sorry if I looked immodest. पर मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कहता हूँ कि मेरा जो एम था आप लोगों की सेवा करना था, आपके बच्चों की सेवा करना था, पूरे देश की सेवा करना था, तो क्योंकि आपके माध्यम हम आपसे कुछ पॉइंटर्स चाहेंगे। चाहिए हम प्लीज. चाहेंगे कि जो कम्युनिकेशन, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को मान लीजिए दिक्कत है, या बच्चे हैं उनको दिक्कत है किसी लेवल पे, तो कुछ आप हमें ऐसे ढंग भी बताइए, ऐसे सलीका भी बताइए कि क्या क्या। एक तो आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन की बात बताई कि आपने ऑब्जर्व किया, सुना, टीचर्स अच्छे थे, लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है अपने धन की कम्युनिकेशन बात को। बोलूं, कई बार होता है पेरेंट, जैसे मेरे को पॉल्यूशन बोलना आता तो मैं तो बच्चे अपने पोते को पॉल्यूशन ही बता रहा था, और वो करेक्टली तो पॉल्यूशन था. जी लेट द किड्स स्टिक टू स्टैंडर्ड. टीवी के अच्छे प्रोग्राम को देखें और सुने. जी बीबीसी है, बीबीसी साइंस का, प्लेनेट अर्थ का, प्लेनेट का प्रोग्राम है, डिस्कवरी चैनल का प्रोग्राम है, नेशनल ज्योग्राफिक का प्रोग्राम है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का चैनल है, हमारा नेशनल ये दूरदर्शन का साइंस चैनल है, विज्ञान प्रसार है, ढेर सारे राज्यसभा टीवी है, ढेर सारे ऐसे हैं. एक एंड्रॉयड टीवी बच्चों को सपोर्ट कर दो. नंबर दो, अपना टाइम भी उसको देखने का उनके साथ लगाइए, अकेले नहीं बैठेंगे, वो बैठ नहीं पाएंगे. जब उनका अभ्यास हो जाए, आदत हो जाए. हमारा अगर 6 साल का वो बच्चा इतने सारे YouTube के प्रोग्राम देख चुका है, किड्स YouTube भी देख चुका है, और उसको सारे डायनासोर्स के बारे में ऐसे पता, उसके पास जो मॉडल भी है ना, उसका पूरा ऑडिट कर लेता कि वो वाला खो गया. तो गुड़गांव जाके पे मैं कहता मेरा वो डायनासोर रह गया, स्पाइनोसॉरस रह गया. हमें तो, मैं तो जियोलॉजिस्ट हूँ, फिर भी मुझे ये नहीं पता कौन सा स्पाइनोसॉरस था उसका. पर एक अगर बच्चा उस YouTube से डायनासोर का साइंस सीख सकता है, लिखना पढ़ना नहीं आता उसको अभी भी, वो अभी सब उसको पता नहीं, वो उंगली मारता है. इतना बड़ा एनसाइक्लोपीडिया उसको दिया हुआ मैंने, एनसाइक्लोपीडिया एंड और ऐसी पिक्चर वाली जो है. बच्चे को अगर देना है तो आप बड़ा वाला दीजिए, बोल्ड प्रिंट वाला, फुल ऑफ पिक्चर्स. टेक्स्ट पे ना जाइए, टेक्स्ट वाला बोरिंग काम ना करिए. आंख के जरिए ज्ञान उतर जाएगा दिल में आसानी से. तो माध्यम जो है फूल प्रूफ होना चाहिए. हमारी गलतियां वो इनहेरिट ना कर जाए, और सीखे वहां से जब स्टैंडर्ड मटेरियल है, लर्निंग वो स्टैंडर्ड मटेरियल गलत नहीं होता. और उसके अलावा वो बच्चा ग्लोबल अथॉरिटीज के इन टच आ जाएगा. बिटिया के बच्चे जो अभी 15 साल के हैं, छुटके थे जो, वो बच्चे डायनासोर ट्रेन का एक प्रोग्राम देखते थे, 5 सीरीज का सीरियल था. उसमें स्टैनफोर्ड का एक पेलेंटोलॉजिस्ट आता था. वो बच्चे उस उम्र में, आज से 8 साल पहले, मुझे बोलते थे ही इज अ पेलेंटोलॉजिस्ट. यहाँ अपने यूनिवर्सिटी में लोगों को जूलॉजी जियोलॉजी में फर्क नहीं पता, और वहां बच्चा मुझे बोल रहा ही इज अ पेलेंटोलॉजिस्ट. और बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस था कि सड़क में मुझे घुमाने ले जा रहा, उंगली पड़ गई सोच के दादू को कोई टैक्स कोई कार ना ठोक दे, एंड बहुत तेज चलती है, विल टेक केयर ऑफ यू, बी केयरफुल, ऐसे करके बोलते थे. रास्ते में रुके, कोई बंदा खड़ा था, उसको बोले हेलो दिस इज माई ग्रैंडपा, ही इज अ पेलेंटोलॉजिस्ट. ये मेरी इंट्रोडक्शन करवा रहा है एक बच्चा 6-7 साल का, किस कॉन्फिडेंस से. तो क्लैरिटी कम्स फ्रॉम नॉलेज कमिंग फ्रॉम प्रॉपर सेफ सोर्सेस. आजकल वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव सो मच. अच्छा, एक बड़ा टीवी है, डिस्टेंस पे आंखें भी खराब नहीं होंगी. अगर आपने इस मुसीबत को उनको दे दिया, आंखें भी गई और बहुत बड़ी मुसीबत है, रेडिएशन है बॉडी के बहुत पास रहेगी. टेलीविजन, इवन लैपटॉप आई वुड से इज ओके, थोड़ा दूर है बॉडी से, पर वो जो एंड्रॉयड टीवी दीवार में लगा हुआ वो सेफ भी है क्योंकि क्लैम्प्ड है. दूसरा वो डब्बा है, किसी डिजास्टर में कोई भूचाल उछाल आया, गिर जाएगा नीचे और बच्चे पे को हर्ट कर सकता है. कई मैंने छोटे बच्चे मरते देखे हैं उस टीवी से. सेफ नॉलेज फ्रॉम स्टैंडर्ड सोर्सेस रेगुलरली, शेयरिंग दैट क्वालिटी टाइम ऑफ लर्निंग
विद द किड्स, डोंट लेट देम नो कि तुम रिचुअल के लिए बैठे हो, वो क्यूरियोसिटी शेयर करिए, थोड़ा सा उनके साथ ताली भी बजाइए, थोड़ा हंसीए भी। एक आइसेज है प्रोग्राम, जो वो आइसेज वाला क्या गजब का प्रोग्राम है, इतना खिलखिला के बच्चा आइसेज देखते हुए हंसता है ना, हम दूसरे कमरे में हो हमारा ना मन खुश हो जाता है कि यार बच्चा कुछ सीख भी रहा है। और वैसे तो है तो बड़ा ऊटपटांग, डायनासोर हाथी सारे के सारे आइसेज में इकट्ठे घूम रहे हैं, वो तो साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है, बनने बदले बच्चा सीख जाएगा। थ्रिल इज द बिगेस्ट लर्नर, एक्साइटमेंट इज द बिगेस्ट लर्नर, बोर्डम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ लर्निंग, एक्साइटमेंट। एंड फिर उसके बाद में तो बच्चे को ज्ञान विज्ञान से रोमांस हो जाएगा। जब एक बार इश्क हो गया तो फिर तो हो गया, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जस्ट मॉनिटर फ्रॉम अ डिस्टेंस। सॉरी मैं हर बार में तुम्हें टोक दे रहा हूँ, मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए, पर मेरे इतने सारे ये नुक्ते नोट किए हैं कि अक्सर होता है कि बंदा बहुत कुछ बोलता है और कई बार उसकी कोई भी नहीं सुनता, पर आज क्योंकि मुझे लगा कि जिज्ञासा है, एपेटाइट फॉर सम मेथडोलॉजी है, मेथड ठीक हो तो मंजिल मिल जाएगी, मेथड ठीक हो तो रास्ता नहीं मिलता जी, रास्ता मिलता है, ना ठीक हो तो नहीं मिलता। जी तो सर अभी मैं भी लगातार यही सुन रहा था कि बहुत सारी चीज़ें आपने बताई और कहाँ से कहाँ तक आप पहुँचे, ये बड़ी ही काबिले तारीफ ठीक है, बात है। ज्यादा दूर नहीं पहुंचा, अभी बहुत दूर जाना है जी यार। तो दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन के ऊपर दो तीन प्रश्न स्टैंडर्ड प्रश्न होते हैं, जो हमारा टॉपिक आज कम्युनिकेशन पे हमने रखा, तो इसके साथ जो दो तीन जुड़े हुए स्टैंडर्ड प्रश्न होते हैं, एक तो स्टेज फियर, एक एक्सप्रेशन, राइट। कई बार क्या होता है कि बंदा बहुत सारा एक्सप्रेशन देता है लेकिन वो सही जगह पे नहीं एक्सप्रेशन दे पाता, तो ये दो चीज़ों के ऊपर आप ज़रूर हमें बताएं। वही तो मैंने बोला, जिस बच्चे ने घर पे बार बार बोल के पढ़ा है, खड़े होकर पढ़वा दीजिए उसको, सामने पढ़वा दीजिए अपने, यू बिकम द ऑडियंस, लेट हिम बी द स्पीकर, उसका स्टेज फियर तो गया। जैसे हमारे ज्ञानी जैल सिंह ने, उनके मरने के बाद हमने एक टीवी प्रोग्राम देखा था, कहते जी हमने जो पब्लिक स्पीकिंग है गुरुद्वारे में सीखी थी, कहते जी कैसे सीखी, कहते वो हमें गोभी के फूल के खेतों में ले जाते थे और वहां पे बोलते थे यहाँ पे भाषण दे दो और इनको अपनी ऑडियंस समझो, उसके बाद में जब आप ऑडियंस में हो उनको गोभी का फूल समझो, एंड डोंट केयर डैम बोल दो जो बोलना है। बहुत सारे तरीके हैं जो भी बोलने के। आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, धड़ल्ले से बोलते हैं, क्या धड़ल्ले से बोलते हैं, और एक्सटेम्पोर कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं, बिल्कुल जो भी टॉपिक आ जाए कुछ ना कुछ कह तो देंगे, कहीं पर अपनी सिचुएशन संभाल लेंगे वो। तो हर कोई जो सफल है कहीं ना कहीं बोलने की कला सीख चुका है वो। कहाँ सीखी है? दुनियादारी में सीखी है, किताब से सीखी है, माँ से सीखी है, गुरु से सीखी है, या भगवान ने सिखा दी, पर सीखा तो जरूर है। स्टेज फियर पर चला जाएगा, एक्सप्रेशन भी आ जाएगी, दोनों चीजें घर पे ही आप मिटा सकते हैं। सर, इसके अलावा एक जो कुछ लोगों में एक झिझक होती है अपनी बात को कहने की, एक झिझक होती है और एक फियर होता है, एक डर होता है कि जैसे आपने ये अपने लेक्चर में भी कहा कि लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं, तो क्या कहेंगे लोग, है ना। तो वो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में अक्सर हम लोग तो इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, क्लासेस लगातार लेते हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारा बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आके ऐसा भी बोलते हैं कि भाई जब हम घर पे भी कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ कहने नहीं दिया जाता, टीचर से भी कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो कुछ कहने नहीं दिया जाता। तो आपके इस लेक्चर के माध्यम से आप उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये फील करते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता? वो एक चीज है, हम बच्चे को फ्रीडम दें बोलने की, उसकी बात सुने और कभी भी गलती से भी उसका मजाक नहीं उड़ाएं, उस पर हंसे नहीं, कोई कमजोरी हो तो मदद करें और सब्र रखें, क्योंकि अगर आप उसके लिए सब्र नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखेगा, दुनिया बड़ी जालिम है। और उसका ये अगर आपने घर पे निकाल दिया, मैं हमारा तो घर पे निकला था, देखो हमारी तो ये पेरेंट्स की वो थी, मेरे बड़े ब्रदर ने मुझे दूसरा फॉर्मूला भी सिखाया था कि जो चीज़ आपको लर्न करनी है उसको एक बार दो बार तीन बार लिख के लर्न कर लो, उसके बाद में आप जू की तू लिख दोगे। इवन जो आइल्स का एग्जाम है कनाडा वाला, ऑस्ट्रेलिया का, आई सजेस्टेड टू माई डॉटर लॉ एंड शी मेड टॉप ग्रेड फॉर दैट विद दैट फॉर्मूला। अखबार का आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद में उसने उसको दूसरी बार फिर पढ़ा,
जो वर्ड थे फ्रेजेस थे नहीं आते थे वो लर्न किए, उनको यूज किया, उसके बाद में पूरे आर्टिकल को देख के लिखा, बोल के लिखा, बोल के लिखा, क्योंकि वहाँ स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट है, रिटन इंग्लिश का टेस्ट है, डिबेट का टेस्ट है, ऐसे टेस्ट है ना दुनिया में और जिंदगी में यही होते हैं। वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाके वहां पे लैंग्वेज के कारण फिट तो नहीं जाओगे। तो अगर ये टेस्ट हमने बाद में जाके देने तो शुरू में क्यों नहीं तैयारी कर ली इसकी, तो फिटने का तो कोई चांस ही नहीं है। और तो और कुछ कंपटीशन ऐसे हैं जहां पे है सब्जेक्ट का, वो जैसे हमारा तो ज्योलॉजी का पेपर 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर था, अपनी अंग्रेजी ठीक थी तो अच्छा खासा ग्रेड आ गया वहां पे, जो मेरिट थी यूपीएससी की उसमें अच्छा ग्रेड था मेरा बिकॉज ऑफ दैट। आपने सर एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद दिला दी, मेरे ख्याल से वो बड़ा सही एग्जाम्पल है, सही उदाहरण है आज डिस्कस करने के लिए कि जो हमारे सिविल सर्विसेज होते हैं उसमें भी काफ़ी सारे पड़ाव होते हैं, तो उसमें एक पड़ाव इंटरव्यू का भी होता है। तो जो इंटरव्यू है वो पूरा का पूरा तो कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड होता है। तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि भाई सब कुछ क्लियर हो गया, सिर्फ एक इंटरव्यू में हम मार खा गए, तो ये भी और या कुछ और जो आजकल काउंसलिंग के जहाँ पे होती है, जहाँ मेरिट के साथ साथ आपके इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं, जहाँ डिबेट्स वगैरह करवाए जाते हैं, चाहे वो बिजनेस के कोर्सेज हैं, तो वहाँ भी आप थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या किस तरह का। सच्ची बात यह है, अगर बच्चे ने वो किताब बोल के पढ़ी है, ऐसे नहीं है, एक तो आंखों से बोलने का, एक पढ़ने का, एक है ध्यान इधर उधर चला जाता है, ठीक है ना, तो वो ध्यान नहीं भटकेगा। अब बोल के पढ़ रहा है ना, वो एक तो अभ्यास वो हो गया, मतलब इतना अभ्यास हो गया, अरे 20 साल बोल के पढ़ा हमने, जी 20 साल तो बहुत होते हैं, जी बड़े जी बड़े जी वो लेक्चर दे देंगे, तो आपका बोलने में तो पढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो दूसरा ये है, आप जब बच्चा बात करता है उसको पोलाइटली सजेस्ट करिए कि नीचे झुक के नहीं सामने देख के बात करिए, बहुत ज्यादा अटेंशन खड़े होने की बात नहीं है, स्टैंडर्ड इज एंड टॉक। इंटरव्यू में भी गए हैं तो आप बिल्कुल ऐसे करके ना बैठ जाइए, आराम से बैठिए, बट सिट इन अ डिसेंट मैनर, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी पोलाइट डिसिप्लिन। अगर आपका हाथ बातचीत करते हुए ऐसे कुछ हाथ आता है, आप आर्गूमेंट, वो बॉडी लैंग्वेज है, पर अगर आप अपनी आंख करने लगे और कान करने लगे, या बॉल पेन पकड़ा हुआ है उसका कभी ढक्कन पकड़ रहे हैं, कभी ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, वो एक स्कैटर्ड माइंड है। साइकोलॉजिस्ट भी कई बार बैठा होता है वहां पे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको रिजेक्ट कर देगा या नंबर दे देगा, भैया कुछ ठीक नहीं है। आपकी बात का स्टाइल, आपकी आवाज का इम्पैक्ट और आपकी आंखों की चमक, आपका चलने का बैठने का जो अंदाज है, वो आपको बता देगा कि आप सिलेक्ट होने वाली कैटेगरी के, रिजेक्ट होने वाली कैटेगरी के। उसके बाद में ज्ञान, और जिसने बोल बोल के पढ़ा है, लिख लिख के पढ़ा है, उसका ज्ञान फेल नहीं होगा। फिर वो डेडिकेशन ऑफ दैट स्टडी टू योर मदर, जब जी वो पढ़ाई लिखाई आपने अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को डेडिकेट कर दी और जी बता भी दिया उनको कि आपके नाम के लिख रहा हूं, तो इतने सारे आशीर्वाद दो ना जब भगवान साथ मिल जाता है। जी तो ये जितनी बात आप बता रहे हैं उसका कोर जो पॉइंट निकल के मेरे सामने आया वो है अभ्यास, प्रैक्टिस, सार्थक सोर्स लेकर, एक ऑथेंटिक सोर्स लेकर, एक ऐसा सोर्स लेकर जो किसी भी पढ़ने वाले की, अभ्यास करने वाले की क्षमता को बढ़ा सकता है, उस सोर्स को लेकर अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो हम ना सिर्फ निजी जीवन में अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, अच्छी बातचीत कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई इंटरव्यू है, कहीं कोई भाषण देना है, कोई डिबेट है, अगर सफलता हासिल करनी है तो उसमें भी सहायक चीज़ें हो सकती हैं। अरे कल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, वहां पे घुग्गू की तरह बैठने के लिए थोड़े गए हैं, जी भाषण देना ना ठीक से, जी ढंग से देना ना। अब जी जैसे मैं किसी उस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लेडी महुआ मोहित्रा जब से गई है पार्लियामेंट में, जब इसका भाषण होता है ना उसमें क्या स्टाइल होता है, उसने हिंदी का गाना भी बोल दिया और अंग्रेजी का भी बोल दिया और खूब चिल्ला चिल्ला के बोली, 13 ही मिनट मिले थे उसका, 11 मिनट में वो ऐसा कर गए कि सारे टीवी चैनल बाहर में उसकी इंटरव्यू लेते फिर रहे हैं। और तो और कई बार ऑपोजिशन वाले, इवन जो रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन वाले की भाषण में तालियां मारती देखी है मैंने, उनको याद नहीं रहता कि हम तो रूलिंग वाले हैं, हमारे तो खिलाफ बोल रही थी। कई बार वो उसके स्टाइल की दाद है, इवन ये जो बंदा अपना हरमान जो है, जो पंजाबी बोलता है आप पार्टी का, देखो वो सब कुछ के बावजूद उसके उसमें एक इमोशन होता है। कई बार एक कविता या एक इडियम या एक फ्रेज, एक कोटेशन,
वो आपकी अगर भाषा में, बोलने वाली भाषा में आ जाए। मैंने जैसे बोला था ना कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, इतना सा कहना है, उसका कहने का मतलब है। बंदा कह जी रहा है कि तू मेरी, वो जो मोहम्मद रफी का वो गीत था कि तू मेरे पाँव में घुंघरू पहना दे फिर मेरी चाल देख ले, तो ये तो चाल दिखाने की बात है, जी जी जिसकी चाल में दम है वो दिखेगी दुनिया को। बिल्कुल सर, ये बात सबको दिखेगी। और यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं साथ और ऐड करना चाहूँगा सर से। मैंने दो चार सवाल खास तौर पे पूछे थे, और एक आज जो आईटी आ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, सर ने एंड्रॉयड टीवी की बात की, और एक जो ये मोबाइल फ़ोन है, सर ने ये भी बताया कि काफ़ी इसमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन एक आध इसमें जो फीचर अच्छा है वो फीचर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक इसमें वॉइस रिकॉर्डर होता है, आप कभी भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको बार बार सुन सकते हैं, उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। मैं उस वॉइस रिकॉर्डर का बहुत ही इस्तेमाल करता हूँ, उसके ज़रिए हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, पॉडकास्ट से वीडियोस बनाते हैं, उनको शेयर करते हैं। फ़ोन पे जब किसी का इंटरव्यू लिया जाता है, तब भी इसी फ़ोन का इस्तेमाल होता है, उसी वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल होता है। तो कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए, अपनी बातचीत को सही तरीके से सामने रखने के लिए, अपने पॉइंट्स को जोट डाउन करने के लिए, अच्छा सीखने के लिए, तो इस तरह की ऐप्स आपके बहुत काम आ सकती हैं। इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं कम्युनिकेशन को सिखाने के लिए, सीखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऐसे चैट बोर्ड्स भी हैं जो आपकी भाषा पर पकड़ बना सकते हैं, उनसे आप चैट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और साधन भी आ गए हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। लेकिन सबसे पहला जो लोग, जिनको कम्युनिकेशन की दिक्कत है, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो जो भी आपकी दिक्कत है, उस दिक्कत को दिक्कत के बारे में समझना शुरू करें कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता। अगर मैं ये मानूँ, अनुवांशिक चीज़ मानूँ कि हेरिडिटी से कोई चीज़ है या कोई पर्यावरण से कोई चीज़ आती है, तो जो पर्यावरण से चीज़ आई है ये उसका पार्ट बनता है, ये हेरिडिटी का पार्ट नहीं बनता है। ये आप अगर अच्छा कर सकते हैं पर्यावरण के ज़रिए, अपने वातावरण के ज़रिए उसको समझ सकते हैं, उसके अगर ऐसे लोगों से मिले जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, ये बिल्कुल मान के चलिए। अब मैं चैट बॉक्स में मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसको पढ़ देता हूँ, फिर एक एक करके जो हमारे पार्टिसिपेंट्स उनसे बातचीत कर लेंगे। विक्रम जैतका जी ने लिखा है, आई हैव अटेंडेड अ नंबर ऑफ टॉक्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस टॉक इज़ यूनिक फॉर्मेट एंड वे ऑफ डीलिंग विद द टॉपिक सच दैट द लिसनर डज नॉट अटेंड ए लेक्चर बट इज ग्रूम्ड। राइट सर, सो इट इज़ डेफिनेटली दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ द टॉक। हमारा पर्पज़ भी यही था, हमारा मिशन भी यही है कि जो आए हमारे इस टॉक को सुन पाए, कहीं भी हम लोग किसी भी एक को भी छू पाए, तो वही हमारा पर्पज़ है। तो ही राइट्स फर्दर दैट कम्युनिकेशन इज़ विदाउट जार्गन। ही ऑल्सो शेयर्स द सीक्रेट ऑफ करेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल दैट राइजेज वन टू द वेरी टॉप। ही इज़ ऑफन इन्वाइटेड बाई ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ हिज सिंपल स्टाइल, इवन दो ही हैज़ टेक्निकली अचीव्ड ग्रेट हाइट्स। यस, ही इज़ अ जियोलॉजिस्ट एंड ही हैज़ अचीव्ड अ ग्रेट हाइट्स, एंड ही ऑफन टॉक अबाउट द माउंट एवरेस्ट ऑल्सो। सो हाइट्स आर इवन ग्रेटर हाइट्स आर वेटिंग फॉर हिम। सो द पार्ट इज़ दैट कम्युनिकेशन के अंदर जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करने का मौका लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ हैं, डॉक्टर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर लेक्चर बहुत आपका बहुत अच्छा रहा, मैंने पूरा इसको, काफ़ी अच्छा आपका लेक्चर रहा। एंड मैंने ये चीज़ बड़ी नोटिस की है कि मेरे स्कूल टाइम में ऐसा होता था कि टीचर्स जो होती थी वो काफ़ी रटाफिकेशन में थोड़ा सा करती थी, मतलब कोई भी पढ़ाने को स्किल्स को वो कभी भी, मतलब उसको कभी भी कम्युनिकेशन को कभी इतना डिवेलप नहीं किया, वो माइंडसेट को। टीचर्स की कोई फॉल्ट रहती है कि उन्होंने कम्युनिकेशन को कभी वो नहीं किया, तो उन्होंने रटाफिकेशन कही कि आप ये कुंजी ले लो और आप ये इसको पढ़ लो वगैरह, जबकि मैं को मैंने कभी इसको बॉदर नहीं किया, इसको पकड़ा नहीं मैंने, किया नहीं। बट पर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि अभी भी अगर कई स्कूलों में ऐसा होता है, तो क्या बच्चे जो है वो इस चीज से बाहर निकल सकते हैं जो रटाफिकेशन है? मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे इससे बाहर निकले और अपनी ही सेल्फ स्टडी से उसको पढ़े। अगर टीचर अगर आपको वो चीज़ को नहीं प्रोवाइड कर रहा, अब पहले तो हमारे टाइम में सर यूट्यूब होता नहीं था, पर आजकल तो यूट्यूब हो जाते हैं, पर उस टाइम में मुझे मुझे भी बड़ी एफर्ट्स लगती थी कुछ भी पढ़ने में, क्योंकि तो टीचर्स की जो जो स्किल्स होती थी उनके पास स्किल्स कमी के कारण, तो
उस हमें किस ना किसी सोर्स से की हेल्प लेनी पड़ती। देखो बेसिकली अगर पेरेंट्स ने बचपन से आपको इस लायक बनाया है सेल्फ स्टडी के, तो टीचर जो मर्जी कर ले, आपका बच्चा नहीं पिटता। और कोई भी टीचर, निकम्मे से निकम्मा टीचर, इतना नालायक नहीं होता कि कुछ आपको दे ना पाए। पर अगर माँ बाप ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ बेसिक आपको एट्रीब्यूट्स दे दिए, तो फिर बच्चा टीचर को भी जैसे तैसे मात दे रहे थे। डॉक्टर एम एन सक्सेना इज नो मोर, उनका बेटा इज ए पद्मश्री, ही इज ए लिवर सर्जन इन PGI लखनऊ, राजन सक्सेना। सक्सेना साहब बहुत उम्दा बोलते थे, बड़ा उम्दा गाते थे, और वो मुझे बोला करते थे, अरुण अहलूवालिया जब तुम क्लास में बैठे होते हो मुझे बड़ा डर लगता है, पता नहीं तुम क्या सवाल पूछते हो, क्योंकि मैं प्रायर स्टडी करके जाता था जब वो पढ़ाने वाले थे, पूरा पढ़ा होता था मैंने, कभी लिहाज कर देता था उनका, कुछ नहीं पूछता था। पर ये वाली अगर आपकी एग्रेसिव लर्निंग की स्पिरिट बच्चे में आपने पैदा कर दी, आप लोग हमें तो घर से मिली होगी ना, तो जी सर, अगर वो स्पिरिट है तो बच्चा नहीं पिटता आपका, जो मर्जी हो जाए। इनफैक्ट अक्सर कहते हैं जी बढ़िया स्कूल में डालना है, अरे बढ़िया स्कूल में तो डाल लेना, इफ यू आर अ बढ़िया पेरेंट और आपकी बेसिक ग्रूमिंग अच्छी है, तो फिर जिस मर्जी स्कूल में डाल दो चलेगा, सरकारी स्कूल भी चलेगा, कॉन्वेंट भी चलेगा। और पर अब यह है कि हमें थोड़ा सा दबाव वहां भी बनाना पड़ेगा थ्रू अवर कम्युनिकेशन स्किल एज पेरेंट्स, कि जिस देश में प्रैक्टिकल साइंस में प्रैक्टिकल मर जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, उस देश का बेड़ा गर्क तो होगा। तो आज की तारीख में सीवी रमन थोड़े पैदा होंगे, जगदीश चंद्र बोस थोड़े पैदा होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया वो कैसे कैसे होंगे। ठीक है जैसे तैसे रट्टाफिकेशन कर लिया, जो मर्जी कर लिया, आप सब कुछ कर गए, IIT में पहुंच गए, वहां आप सीख लेंगे या फिर आपको कंपनी सिखाएगी, वो उनकी संख्या कम होगी। जो अंग्रेजी के मोहताज रह गए बच्चे पढ़ने में और उस चक्कर में ना पढ़ पाए या प्रैक्टिकल ना सीखा, तो एक बड़ी भारी कमी है हमारे देश के लिए, बड़ी भारी चैलेंज है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, बड़ी भारी चैलेंज है कि हम बच्चों को ये इस, और पेरेंट्स को भी ये सीख ले कि हमें सिस्टम से बोलना है, हमें सिस्टम को ललकारना है कि पढ़ाई लिखाई जेन्युइन हो और हमारे बच्चों की कमजोरी का भी ध्यान रखा जाए, ताकत का भी ध्यान रखा जाए। और सबसे बड़ी बात, एक स्पोर्ट्स के बारे में मैंने नहीं बोला, जो बच्चा स्पोर्ट्स में तेज है ना, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप तेज हो जाती है, हौसला जिसका हाई है ना वो पिटता नहीं, सब कुछ सीख लेगा, बॉडी जी लैंग्वेज भी, ये भी, वो भी। इनमें आई नो ऑफ वन पर्सन, जो PGI में प्रोफेसर देवी थी उनका बेटा था भास्कर बालकृष्णन, न्यूक्लियर फिजिक्स का PhD था वो कैलिफोर्निया से, पता नहीं क्या फतूर आया कि वो एग्जाम दिया सिविल सर्विस का और IFS इंडियन फॉरेन सर्विस में टॉप कर गया, वो हमारे साथ था वहाँ पे, और WHO में भी उसने काम किया। तो कभी कभी कहाँ से कहाँ, क्या का क्या बंदे के करने की काबिलियत होती है, कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी हो जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी में स्पोर्ट्स भी आती है, वो फिर जोश जो होता है ना अंदर में, वो फिर जेनेटिक चला जाता है आपके, फिर आपको बच्चे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो आपको ध्यान रख देता है, अपना भी रख लेगा आपका भी रख लेगा। जी, मैं एज एन एंकर, मेरा ये कार्य तो नहीं है कि मैं किसी भी पक्ष की तरफ से एक तरफ से बात करूं। मैं इस बारे में अपना एक अलग राय रखता हूं, मुख्तलिफ राय रखता हूं, जिसके बारे में डेफिनेटली हम किसी हम लोग प्लान कर रहे हैं एक सेशन, उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम पे भी बातचीत करेंगे, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों के बारे में भी बातचीत होगी कि वो ज़रूरी है तो क्यों है, अगर उसको किया जाए तो किस तरह से, और एनहांसमेंट किया जाए तो कैसे किया जाए। तो ये जो अभी टॉपिक डॉक्टर साहब आपने पूछा था सवाल कि कभी कोई टीचर ऐसा मिल गया, तो डेफिनेटली ये लाइफ है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है, कोई टीचर बहुत अच्छा हो सकता है, कोई अगर बच्चा बहुत बुरा तो टीचर भी ख़राब हो सकता है। ये एक लाइफ का चैलेंज है। मैं इसके बारे में ये नहीं कहना चाहूँगा कि पूरी टीचर कम्युनिटी अच्छी होती है, पूरी टीचर कम्युनिटी बुरी होती है। ये एक लाइफ में जो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत सिखाया गया है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस कहीं भी हो सकता है। मेरे रूटीन के हम जो खाना खाते हैं रोज़, तो खाना भी एक जैसा नहीं होता। तो ये जो है, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल था और बड़ा ही सब्जेक्टिव इसका जवाब निकलता है। जो कंडीशन सर ने अभी आपसे डिस्कस करी हैं वो बिल्कुल ट्रू होती हैं सर, उसके एक जीवंत एग्जाम्पल हैं
कि अगर ऐसा बच्चा हो तो ऐसे इस हाइट पे पहुंच सकता है, लेकिन अगर ये भी सच हो कि सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं तो शायद सारी क्लास ही हाइट पे पहुंच जाए। सो किस तरह का हमारा माहौल है, कैसे है, किस टीचर वही है, स्टूडेंट के माहौल वही है, सब कुछ वही है, तो सब एक जैसे हो जाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ अलग तरह की डाइवर्सिटी है, इसके अंदर आपका सवाल अपनी जगह सही है कि वो भी सिचुएशंस हैं, और हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों के साथ जब काम किया है तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि हम आमतौर पे, जैसे भी बातचीत हो भी रही थी चैट में भी, जयका साहब ने भी लिखा है ट्यूशन के बारे में, तो हमने तो खैर ऐसे बच्चों को भी देखा है जो ट्यूशन के सारे भी बड़ी हाई पोस्ट पे चले गए, बिकॉज उनके घर में कुछ था ही नहीं और करने के लिए। सो जिस वो स्कूलिंग में कर रहे थे तो अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ होती है। तो सब्जेक्टिवली मैं डेफिनेटली इसका फिर किसी समय पर हम बातचीत करेंगे, मैं आपके सवाल से सहमत हूँ और जो सर ने जवाब दिया उससे भी सहमत हूँ, और इसके बारे में जो चर्चा होगी डेफिनेटली हम अगले प्रोग्राम में या किसी और जगह पे इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। और इसके साथ ही मैं आगे जो हमारे साथ जुड़े हैं मैडम राधिका जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, राधिका जी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं आज तो प्लीज़ आप कहें, आप माइक ऑन कर सकते हैं राधिका जी। जी दर्जी, मैं भी एक टीचर हूँ। नमस्ते जी अरुण देख जी, नमस्ते, मैं हैदराबाद से हूँ। नमस्ते, मैं भी एक टीचर हूँ। मैं सोचती हूँ कि माय हिंदी इज नॉट दैट गुड, सॉरी। व्हाट आई नोटिस इज चिल्ड्रन आर मगिंग अप और लर्निंग जस्ट लाइक दैट, देयर इज नो पैशन इन्वॉल्व्ड इन इट। So when we ask them to convey in their words, they're finding it very, very difficult. कौन जिम्मेदार है? So, their communication skill is the most important. Key takeaway is communication. के लिए yes, sir. parents are responsible. बच्चे ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं, अगर वो 4 से 10 साल का पीरियड हमने बच्चे को पूरा डेडिकेट किया हो तो बहुत लाइकली वो ठीक ही करेंगे सब कुछ। There are no bad kids. There are only bad parents and bad teachers. I totally agree with you. बच्चे को दोष नहीं देना, वो तो बड़ी क्लीन स्लेट आपको मिली होती है। आपने क्या बनाया वो आप हैं, वो नहीं, उसका दोष नहीं है। वो बड़े मासूम और बड़े होनहार होते हैं बच्चे सारे के सारे। जी तो राधिका जी, आपने जो अभी हमें एज ए टीचर आपने अपना ओपिनियन बताया, मैं बल्कि राधर जैसे अभी बात कर रहा था, हम और सेशन भी करेंगे, तो एक सेशन जो मैं एनविसेज करता हूँ और मैं बहुत सारे टीचर्स को इनवाइट भी मैंने उसके लिए किया है, पहले भी हमने सेशंस किए हैं, तो एक सेशन हम लोग टीचर्स की तरफ से भी करना चाहते हैं कि वो किन किन दिक्कतों का सामना करते हैं, उनको पॉलिसी लेवल पे क्या दिक्कत आती है, एग्जीक्यूशन में क्या दिक्कत आती है, उनके सामने जो वैरायटी ऑफ टीचिंग के लिए बच्चे आते हैं वो कैसे आते हैं, जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिनके घर में आप कह रहे हैं कि रिसोर्स ये ले लो, लेकिन उनके माँ बाप घर पे ही होते ही नहीं है, जिसके पास रिसोर्स ही नहीं है, सो हाउ दोज कैसे चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, उनके साथ क्या होता है या उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे हमारे बनते हैं, उन सब के ऊपर मैं एक अध्यापक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग चाहते हैं कि वो सुना जाए। सिर्फ इस तरह से पेरेंट, उसी तरह हम लोग पेरेंट्स को भी बुलाना चाहते हैं कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चाह रहे हैं। सो इसको जनरलाइज तो मैं नहीं कर सकता, अगर एक टीचर बोलेंगे तो उसको मैं जनरलाइज सारी एजुकेशन पे नहीं कर सकता, बट जब हम व्यक्ति विशेष के ओपिनियन भी सुनते हैं, बातचीत सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सेंसिटाइज होते हैं, उसके संवेदनशील होते हैं उस विषय वस्तु की तरफ। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि किसी वक्त आप समय निकालें और अध्यापक के तौर पर, अध्यापिका के तौर पर आपके क्या क्या अनुभव हैं वो हम लोगों के साथ शेयर करें, और ताकि हम भी समझ पाएँ कि किस किस तरह की एक्चुअली हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है आजकल स्कूलों में। जी राधिका, आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो? I am from Hyderabad, sir. हैदराबाद। Yes, sir. तेलुगु तेलुगु बोलते हो आप? Yes, sir. हाँ, वहाँ को तेलुगु तो संधि। That's My first job was in Hyderabad. Oh, I was from 72 to 75 in Hyderabad. Okay. UPSC job I got there. I joined. You are telling you were in Andhra Pradesh and all, huh? Yeah. I was in जी जी Andhra. सर, I मैं was in South. एक परिचय और भी करवा दूं, राधिका जी हमारे साथ बायोस्कोप हमारा मंथली प्रोग्राम है उसमें रिसोर्स पर्सन के तौर पे एक्ट कर चुके हैं, और ये बटरफ्लाइज रीयरिंग पे काम करते हैं, तो बटरफ्लाइज पे इन्होंने बटरफ्लाइज के लिए गार्डन भी बनाए हैं, बाग बनाए हैं जगह जगह स्कूलों में, तो वो स्कूलों में लोगों को, बच्चों को, अध्यापकों को, सभी को ये सिखाते हैं कि अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने आसपास बटरफ्लाइज को कैसे लाया जाए, तो उसके ऊपर काम करवाते हैं। तो इनका जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर सुनिए, बहुत गुणी आत्मा है। और
राधिका, डेक्कन वॉल्केनिक्स हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो ये डेक्कन वॉल्केनिक्स 65 मिलियन ईयर्स वाले पुराने, जिन्होंने डायनासोर्स को उड़ा दिया था, मैंने उस पर काम किया था हैदराबाद में, और मेरा वो पेपर 1990 में छपा था, और अभी इसी महीने हॉलैंड में एक पेपर आया है बहुत बड़ा डायनासोर्स पे, जिसमें बड़ा वो रेफर्ड है आहलूवालिया 1990। तो मुझे ऐसा लगा कि 49 ईयर्स आफ्टर माय वर्क इन हैदराबाद वो आज की तारीख में मुझे कोई भेज रहा है कि तुमने वो पर्चा छापा था। मैंने तो उधर से छाप दिया था, क्योंकि जियोलॉजिकल मैप था, ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा ऐसी पड़ी रह जाएंगे रिपोर्ट में, तो फिर यहाँ मीटिंग थी, मैंने वहाँ बोल दिया, और वहाँ पर भी दम से बोला था। तो वो जो चेयरमैन थे वो कहीं पुणे से आए थे, वो बोला कि ये तो कोई GSI का जियोलॉजिस्ट लगता है। मैं कहा बिल्कुल हूँ, पर आजकल यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, तो बात करने की है, दम आया मेरे को, कोई मैंने कोई आई डेंट फील शाई कि मैं इन डायनासोर एक्सपर्ट्स के बीच में कैसे बोलूंगा, मैंने बोल दिया जी। तो हैदराबाद से बड़ा पुराना ताल्लुक है मेरा। चलिए, आबिद तो रोड पे मैंने बहुत पूरी बात देता है कि आईटी वापस उसी में, तो मुझे प्लीज इजाजत दीजिए मैं लिस्ट में आगे बढ़ सकूं अभी जी। तो आगे हमारे साथ सतविंदर जी हैं। सतविंदर जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो माइक ऑन करके प्लीज कह सकते हैं। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा टीचर के बारे में जी। क्योंकि टीचर होता है वो जैसे बाइबल बरकरार करता है जी, तो वो नहीं देखता कि आप जरूरी है, तो सबको एक समान देखा है। जो बारिश है वो पहाड़ की कतरनी कर रही है, लकड़ी की उतरी कर रही है जी, कह रहे हैं लकड़ी की उतरी कर रही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे ऐसे हैं कि जो कतर जैसे होते हैं, जिनको वो उसको जो मरीज उसको कम उपजार कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लकड़ी की जैसे थोड़ा सा उसको ज्यादा उपजार कर लेते हैं जी। मैं हिंदी ज्यादा नहीं हूँ, थोड़ा पंजाबी बोलता हूँ, लेकिन ठीक है कुछ थोड़ी सारी। सतविंदर जी, तुम पंजाबी दे विच भी अपनी गल कह सकते हो। जी जी, तो ये है कि मतलब मैं समझा कि टीचर वास्ते जो स्टूडेंट है सारे एक समान होंगे, मतलब जो स्टूडेंट है उन्होंने होना चाहिए, कंटिन्यू करा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज कब्जा कर सकेंगे जी। आपने सतविंदर जी जो उदाहरण दी है, मैं उसको हिंदी में एक बार दोबारा, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी, तो मैं सभी सुनने वालों के लिए दोबारा बोल देता हूँ कि आपने कहा है कि बादल जो है बरसात करते हैं, सब जगह एक जैसी बरसात करते हैं, कहीं ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो जाता है, ज़्यादा सिम जाता है पानी, जैसे लकड़ी है पे पड़े तो वो लकड़ी खींच लेती है पानी को, कहीं वो पानी बह जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी उदाहरण दी है, मेरे मन में भी आ रहा था कि रेगिस्तान में भी सेम चीज़ हो जाती है, जहाँ बाढ़ आ गया वहाँ भी बरस के वो सेम कर देता है। तो अध्यापक के तौर पे, और जो बच्चों के आशुतोष जी ने सवाल पूछा था, बिल्कुल उस पर भी एग्जाम्पल ये फिट हो गई है कि कहाँ पे क्या है, किस तरह से सिचुएशन है, तो किस सिचुएशन में वो बात हो रही है, वो सिचुएशन बहुत मैटर करती है, तो परिस्थितियाँ बहुत मैटर करती हैं किसी भी चीज़ के लिए। और मैं बड़ा इस बात से भी बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपने जैसे ये एग्जाम्पल लाए हैं सामने, तो एक अध्यापक का यही काम होता है कि अलग अलग कहीं कहीं से उदाहरण खींच खींच के वो लेकर आए और बच्चों को या सुनने वालों को बिल्कुल सिखाने की बात अपनी कोशिश करे। और जितनी ज़्यादा उदाहरण लेके हम लोग आते हैं, जितनी ज़्यादा शब्दों की शक्ति हमारे पास होती है, उतनी हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है जी। सतविंदर जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे अगर जहाँ तक पता लग रहा है कि आप सतविंदर जी जिन्होंने मुझे फोटोज भेजी थी, आप वहीं पे हैं, वही हैं जी मोहाली से, तो मैं जल्दी ही आपकी जो कला है, बिल्कुल उस कला के बारे में दोबारा आपसे चर्चा करूंगा, और डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम दोबारा जो मैं लेकिन आलूवाले साहब को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, सर सतविंदर जी एक उम्दा कलाकार हैं जिनकी कला के बारे में मैंने रिसेंटली मुझे पता लगा, और इसके बारे में हम डेफिनेटली उनसे और बातचीत करके बात सामने रखेंगे। इन्होंने लकड़ी के जो छोटे छोटे बांस के टुकड़े होते हैं उससे काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, और एक दो चीज़ें जो बनाई हैं मैं शेयर भी करूंगा, ग्रुप में भी शेयर करूंगा, और मैं कोशिश भी करूंगा इनकी कला को रिकॉर्ड करके भी हम सब सामने ला सकें। तो वो एक विषय जी, जी आपकी ना आज आवाज थोड़ी हम प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैंने कोशिश की अपनी यथाशक्ति से, पर मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा। हाँ, मैं एक बार फिर दोबारा जब आपसे अलग से बात करूंगा, मैं भी मैं आपकी बात समझूंगा। मुझे इतना समझ आया कि आज आपने जो तस्वीरें भेजी हैं उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, डेफिनेटली उसके बारे में हम थोड़ा और गहन चर्चा करेंगे इस बारे में। तो उसके बाद जैदका साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैदका साहब आप कुछ कहना चाहते हैं।
सर मैं ये एक तो कहना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन जो अध्यापक पढ़ाता है, कम्युनिकेशन जो है उसका बच्चों को प्रॉपर समझ तभी आएगा जब बच्चे उसको अप्लाई करेंगे, उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे। बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर, बच्चों को प्रोजेक्ट्स करा के, पर उसमें जो टीचर्स हैं वो उनको ये स्किल अभी इंडिया में इतना अच्छा आया नहीं, हाउ टू कन्वर्ट टेक्नोलॉजी या जो क्लास में पढ़ाया जाए बच्चे उसका प्रैक्टिकल खुद कैसे करें। एक तो प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, वो नहीं मैं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ कि उस नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करके वो सीखें उसके बाद। दूसरी चीज ये है कि कम्युनिकेशन में अगर आप गूगल करो वेलकम लाइफ, सिर्फ ये दो वर्ड लिखो वेलकम लाइफ, एक नया सब्जेक्ट शुरू कर दिया पंजाब स्कूल्स में। थोड़ा सा मैं उसमें इन्वॉल्व था, तो फिर बाद में उन्होंने तो सारे टीचर का ग्रुप ही मुझे दे दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें बच्चों को एज ए सब्जेक्ट मॉरल साइंस एंड सॉफ्ट स्किल्स को कहानियों में टोटल सब्जेक्ट को कवर किया गया। आप वेलकम लाइफ गूगल करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी मैंने अभी साथ साथ अलग अलग में कर दिया जी, मैंने आपसे बात करते करते साथ साथ उसको करके देखा और ये एक अच्छी पहल है। और हालांकि जब काफ़ी साल पहले ऐसे सब्जेक्ट पहले पढ़ाए जाते थे, मॉरल साइंस के पढ़ाए जाते थे, वो शायद बीच में नहीं डिसकंटिन्यू किसी वजह से किए गए होंगे, तब भी कोई रिसर्च आई होगी, अब भी जो रिसर्च है उसके हिसाब से बदलाव तो लगातार आते रहते हैं। बट बहुत धन्यवाद सर, आपने ये हमसे शेयर किया। और इसमें एक चीज और भी कहा जी, फिर इसमें कम्युनिकेशन हैज टू बी टू वेज जी। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप ये किया कि बच्चे खुद कहानियां बनाएं और आपस में उनके वीडियो बनाएं और अपने लोगों के साथ सब्जेक्ट को एज एन एक्सरसाइज शेयर करें। वो और भी तरीका था, मुझे कुछ दो चार वीडियोस आई मेरे हाथ, वो तो माइंड ब्लोइंग है जो बच्चों ने काम किया। इसी तरह बच्चों से रिटर्न लो, हम उनको सारे स्कूल में हम उनको टेक्स्ट देते हैं रिटन टेक्स्ट, और बच्चे उस रिटन टेक्स्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और फिर अपने मन का निचोड़ उसको आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स जी। हम 25-30 कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है जिसको कि ज्यादा इंकरेज करना चाहिए बच्चों में। हम आपको बधाई देते हैं सर, आप ये पहल कर रहे हैं और जुड़े हुए जितने भी तमाम साथी हैं उनको बधाई देते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं बड़ी ही सार्थक एक कोशिश है और डेफिनेटली इससे बच्चों का फ़ायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कोशिशें हैं ज़रूर सफल होंगी और रंग लाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं आलू वाले साहब को इनवाइट करूंगा कि वो अपना अगर कुछ कहना चाहें तो 1 मिनट में सम अप करें। मैं लाइव ऑडियंस को विदा कहूंगा जो फेसबुक लाइव है, हम लोग यहाँ चैट में एक बार बने रहेंगे इनफॉर्मल बातचीत के लिए, तो जो फेसबुक लाइव पे होंगे उनको विदा कहूंगा सर। I enjoyed listening to all the comments. Thank you so much. जी तो इसी के साथ मेरे जो देखने सुनने वाले हम सब के जो दर्शक हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अगर अपनी कोई स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई बातचीत हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आपके आसपास या आपके घर में किसी को कम्युनिकेशन के ऊपर कोई समस्या है, जो कुछ पॉइंटर्स हमसे चाहते हैं, कुछ हमसे आगे बातचीत करने के लिए कुछ बताना चाहते हैं, कुछ वीडियोज़ हमसे शेयर करना चाहते हैं बच्चों की, तो ये सोशल सब्सटेंस का जो ग्रुप है इसी काम के लिए हमने एनविसेज किया है। इसके ऊपर आप अपना कोई भी एफर्मेटिव काम, किसी भी प्रकार का एफर्मेटिव काम आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, पोस्टर के रूप में, कोई एक्टिविटी के रूप में, जो भी आप चाहें। लेकिन सिर्फ एक ही बात है, हम लोग न्यूट्रल लोग हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल हैं, हम लोग किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात यहाँ पे नहीं करते हैं। जो हमें लगता है कि सिर्फ समाज को, देश को, संसार को अच्छा कर सकती है, हम सिर्फ उन्हीं बारे में बात करते हैं। इसी इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। कल हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, कल हमारे साथ वर्ल्ड की फर्स्ट स्नेक लेडी होंगी, जो 51,000 के करीब उनका दावा है कि वो स्नेक्स को रेस्क्यू कर चुके हैं। तो कल शाम को 7 बजे आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी।